सर। ओके, तो 61st से स्टार्ट करते हैं। ये अगेन काफी रिपीटेड सा थीम सवाना के ऊपर। तो द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज संजय सर थोड़ा राइट में इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस। ठीक है, तो बरोइंग एनिमल एंड टर्माइट्स, फायर, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, सीजनल रेनफॉल एंड सॉइल प्रॉपर्टीज। तो क्या आंसर होना चाहिए? मतलब चलो आंसर तो दिख रहा है, बट किसी ने अटेम्प्ट करा था कुछ लॉजिक एंड ऑल। तो देखो मैंने, हाँ हाँ तो इसको देखो, एक तो सवाना है, तो देखा ही होगा डिस्कवरी में कि वो जो एनिमल्स होते थे वो खाते हुए जाते थे पूरे रास्ते पानी के सर्च में, तो डेफिनेटली ग्रेजिंग हर्बीवोर्स एक चीज था। दूसरा फॉरेस्ट फायर्स भी था, क्योंकि वो जो घास थी वो सूख जाती थी एंड उसके बाद में आग लग जाती थी, तो वो डेफिनेटली होना चाहिए था 2-3। और सीजनल रेनफॉल भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन था, मतलब अगर रेनफॉल अच्छा खासा होता तो प्रॉब्ली ट्रीज और ग्रो कर सकते थे, लेकिन इतना रेनफॉल ही नहीं होता था कि इतना ट्रीज ग्रो कर जाए, तो 2, 3, 4 डेफिनेटली होना चाहिए था, तो दैट्स वाई सी होना चाहिए था। करेक्ट। मतलब अगर क्वेश्चन को रीफ्रेम करे तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सवाना में फॉरेस्ट क्यों डेवलप नहीं हो रहा। तो अगर हम ऑब्वियस रीजंस देखें तो फर्स्ट इज मतलब फर्स्ट ऑब्वियस रीजन इज फायर। तो फायर होती है, सो बाय दैट लॉजिक हम दो ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, बी एंड डी, देन वी लेफ्ट विद ए एंड सी। तो यू हैव टू केयरफुली पिक यहाँ पे कि 1 सही होगा या 3 एंड 4, दोनों में से एक चीज सही। तो जैसे अभी संजय सर ने बताया ग्रेजिंग हर्बीवोर्स एंड सीजनल रेनफॉल, तो अगेन ऑब्वियस चीज है, तो इसलिए आंसर इसका सी था। तो सवाना काफी रिपीटेटिव था थीम है, तो मैंने थोड़ा सर थोड़ा स्क्रॉल कर लो ऊपर प्लीज। मैंने ये एक कैटेगराइजेशन डाल दिया है। तो हम अगर देखें इक्वेटर्स है तो ये नॉर्थ साइड का है, नॉर्थ, देन इक्वेटोरियल जोन है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सवाना इज 10 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ में हॉट जोन में आता है। सवाना से सूदान क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो ये एक बार देख लेना कैटेगराइजेशन कैसा है, इसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बट सवाना के कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम बिकॉज इट हैज ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन सिमिलर टू मॉनसून क्लाइमेट, बट हैज कंसिडरेबली लेस एन्युअल रेनफॉल। तो सीजनल रेनफॉल होता है इसमें शायद दो ही सीजन होते हैं, विंटर एंड समर, और जो बारिश होती है वो समर में होती है। ठीक है, तो देयर इज नो डिस्टिंक्ट रेन रेनी सीजन सवाना में। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड बिटवीन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट। जैसे हमने ऊपर देखा कि उसके नीचे एग्जैक्टली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, उसके ऊपर हॉट डेजर्ट, उसके लेफ्ट में हॉट डेजर्ट है, ऊपर हॉट डेजर्ट है। ठीक है, ऑल्सो ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन की वजह से फ्लड एंड ड्रॉट्स बहुत कॉमन होते हैं इसमें, सवाना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड देन ट्रीज आर डेसिड्यूस, बायोम इज रिच इन मैमल बर्ड रेप्टाइल डाइवर्सिटी, एक्सट्रीम डायुनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, मतलब डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, राजस्थान जैसा सीन। ये एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर आइडेंटिफाई करना है हमें तो, इस कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड देन सीजनल रेनफॉल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सवाना पे। ऑल्सो फायर्स आर यूजुअली लिट बाय कैटल फार्मर्स एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट ऑफ सवाना ग्रासलैंड। हमारे यहाँ पे भी होता है वैसे, वहाँ पे भी है स्टबल बर्निंग जैसा। तो बट फायर्स आर मोस्टली कार्बन न्यूट्रल, दिस इज बिकॉज दे बर्न मेनली ड्राई ग्रासेस जिससे CO2 रिलीज होता है, एंड वही अगेन ड्राई ग्रास जनरेट होगी, वही CO2 कैप्चर करेगी। सो फायर्स आर जनरली कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ दो तीन PYQs थे जो लगा मेरे को कि इम्पोर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं।
ये 2012 में पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो कोई अटेम्प्ट करेगा पढ़ के। हेलो, सो गए क्या सब लोग? हाँ, नहीं नहीं सर, सब जग रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है ना क्लाइमेट की। तो रेन थ्रू आउट तो नहीं होती, रेनफॉल विंटर में भी नहीं होता, तो एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सी सॉरी एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन भी ऐसा भी नहीं है। डी आंसर होने से डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। करेक्ट, डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन इज द आंसर, डी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 2013 वाला। कोई पढ़ के ट्राई करेगा। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर्स। तो ये किस टाइप को डिस्क्राइब करता है ये वाला स्टेटमेंट? बी सेंट्रल एशियन स्टेप है, तो क्योंकि यहाँ मतलब समर्स में टेम्परेचर अराउंड 30-40 डिग्री से मतलब 40+ चला जाता है, और विंटर्स में -10-20 तक चला जाता है, तो इसलिए थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है दोनों एंड पे। करेक्ट, तो सेंट्रल एशियन स्टेप ही आंसर भी होता है इसका। 2015 में एक और आया था सेम। आजकल ये मतलब ये थीम यूपीएससी बहुत यूज करता है। पैसेज दिया वो डिस्क्राइब करते हैं एंड देन दे आस्क अबाउट दी क्लाइमेट टाइप। तो इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो टारगेट करना इजी है इस पे। ये 2015 वाला कोई ट्राई करेगा? ईच डे इज मोर और लेस द सेम, मॉर्निंग इज वेरी क्लियर एंड ब्राइट विद सी ब्रीज। As the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over. Which one of the following region is described in the above passage? बी B. इक्वेटोरियल। करेक्ट, Correct. Equatorial is the answer. तो ये मतलब easy to go questions है, geography के काफी basic से पूछता है, and climate तो again favorite side रहा है UPSC का, तो अच्छे से कर लेना एक बार ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 62nd क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू दी वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। सेकंड, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो आंसर उसका बी ओनली होना चाहिए। फर्स्ट क्यों गलत है कोई बताएगा? मतलब अगेन काफी कॉमन थिंग यूपीएससी का अपोजिट करके डाल देता है। ठीक है, तो उसमें भी वैसा करा उन्होंने। एंड इफ यू सी, ये क्वेश्चन 2013 में एक बार आ चुका था, मतलब नॉट दी सेम क्वेश्चन बट हाँ ये वाला, बट स्टेटमेंट्स वैसे थे। तो अगर 2013 का किसी ने अच्छे से करा होता तो ये वाला भी सही हो जाता। तो 2013 में था, ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रपोर्शन इज इन एन ABCD। तो क्या होना चाहिए आंसर? करेक्ट, सी तो फ्रेश वाटर आइस कैप्स के बाद होता है लेक्स एंड रिवर्स में। तो ये ऊपर चार्ट उठा के डाल दिया है NCERT का, तो उसी से ये क्वेश्चन था। तो एक बार देख लेना कि किसमें कितना परसेंटेज है। तो ओशंस में 97.25%, आइस कैप्स में 2.05%, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ग्राउंड वाटर इज 0.68। हाँ, इसमें एक चीज जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो नीचे वाली थी, ये स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड एटमोसफियर। तो एटमोसफियर में ज्यादा होता है देन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, तो ये थोड़ा देखना, शायद इसमें कंफ्यूज हो जाए लोग। ठीक है, तो एक दो PYQs और थे इसके ऊपर, वो देख लेते हैं। 2013 का कर लिया, ये 2020 का था। अगेन सेम थीम पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लोइटेड और क्रिटिकल बाय द CGWA। CGWA वाज फॉर्मड अंडर एनवायरनमेंट एक्ट एंड इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन। तो क्या होना चाहिए आंसर? बी होना चाहिए। इसको ऐसे कर सकते थे, लाइक हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि यूपीएससी जो डेटा देता है गलत देता है, बट यहाँ इस केस में डेटा सही दिया था, बॉडी गलत दी हुई थी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी नहीं था, बॉडी था मतलब अथॉरिटी की जगह, बट इसको वैसे भी गलत मारते तो 1 गलत हो जाता। थर्ड हमें पता ही है कि
सबसे ज्यादा मतलब हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं इरिगेशन में, तो उस वे में सेकंड पता भी नहीं होता तब भी बी आंसर मार्क कर सकते थे। करेक्ट, तो सी तो ऑब्वियस था, तो दो ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, और सीजीडब्ल्यूए भी मतलब जनरली पता ही होता है कि एनवायरमेंट एक्ट के अंदर है, तो अगर फर्स्ट भी थोड़ा डाउट में जा रहे हो आप तो यू लैंड विथ बी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन ये बेसिक वाली थीम है ज्योग्राफी की, वो भी देख लेना एक बार एनसीईआरटीज में, ट्रेंड्स एंड ऑल थोड़े फॉलो कर लेना एनसीईआरटीज के। ठीक है, तो ये हवा में से उठा के डाल दिया था इस बारी क्वेश्चन। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोरिंगा दैट इज ड्रमस्टिक ट्री इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, देन इट इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। फिफ्थ इज सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो किसी ने कुछ लॉजिक लगाया था या पता था, किसी ने अटेम्प्ट करा था, तो कैसे किया था ये वाला क्वेश्चन? मैंने तब अटेम्प्ट नहीं किया, बट नाउ आई फील हो सकता था ये, बिकॉज स्टेटमेंट वन में मोरिंगा दैट इज ड्रमस्टिक इज एवरग्रीन करके बोला है। ड्रमस्टिक आई डोंट थिंक, मतलब ये हर एरिया में मिलता है, लाइक साउथ इंडिया में मिलता है, नॉर्थ इंडिया में मिलता है, एंड वी हैव नेवर सीन एवरग्रीन, दैट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट्स ऐसे ही दिए थे कि आप थोड़ा दिमाग लगाओ एंड प्रोबेबली यू लैंड विद द करेक्ट आंसर, इसीलिए वो स्टेटमेंट्स दे दो फर्स्ट मैंने। हाँ, लेकिन अभी मतलब मैंने आंसर देखा तो मैंने ये लॉजिक लगाया है, बट आई अदरवाइज गेस पता। हाँ, जो टैमरिंड मतलब इमली का पेड़ होता है ना टैमरिंड, तो वो एंडेमिक होना सेंस नहीं बनता, मतलब इतना कोई वो इतना कोई अलग पेड़ नहीं है कि वो इंडिया साउथ एशिया से बाहर नहीं मिलेगा, मतलब नेटिव हो तो समझ में आता है, बट एंडेमिक आई थिंक बोलना बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आई थिंक सेकंड को इलिमिनेट कर सकते थे एंड देन यू वुड हैव लेफ्ट विद ऑप्शन बी और सी। ठीक है, और दोनों के अंदर थ्री आ रहा था तो थ्री मतलब वो चीज करेक्ट हो गई, थ्री फोर करेक्ट हो गई, तो चॉइस था वन और फाइव के बीच में। ठीक है, तो जनरली बायोफ्यूल की बात करें तो ना बायोफ्यूल में थोड़ा सा एक लिबर्टी रहता है कि हाँ यार बहुत सारी चीजें आ सकती है, तो आई गेस 50-50 में अगर एक थोड़ा सा ऐसा चॉइस मारना होता तो बी मारता, क्योंकि बायोफ्यूल से वो चीज है और बायोफ्यूल्स में मतलब ज्यादातर सड़ा सड़ू के बनाना होता है तो काफी कुछ बन ही जाता है, तो आई वुड हैव विंड विद बी उस लॉजिक से। सेकंड को इसलिए में मतलब एलिमिनेट कर सकते थे एंडेमिक में, लाइक ये टैमरिंड थोड़ा मतलब सिट्रस टाइप का ट्री होता है, तो हम पढ़ते हैं मतलब मेडिटेरियन एरिया में मोस्टली सिट्रस फ्रूट वाले ट्री मिलते हैं, तो उस वे में भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। हाँ, मैंने थोड़ा अलग, मैं फिफ्थ मैंने पहले करेक्ट करा कि कैन बी यूज्ड है, तो मतलब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यार, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है बायोफ्यूल एंड ऑल में, तो और पॉसिबिलिटी है, तो क्या पता किसी ने किसी कोने में करा होगा वर्ल्ड के, तो मैंने कैन कर दिया, सॉरी फिफ्थ करेक्ट कर दिया। एंड देन फोर्थ इज समथिंग की इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, तो मेरे को पॉजिटिव लगा कि हाँ यार बहुत बार यूपीएससी डालती है कि थोड़ा इंडिया का मतलब अच्छी अच्छी चीजें बताओ, तो फोर एंड फिफ्थ करके मैंने देन मैं बी और ए में बचा था, एंड देन ए फर्स्ट एंड सेकंड में तो काफी चीजें रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है कि यार एंडेमिक की जगह ये कर दिया, लेकिन मैंने सेवरग्रीन की जगह चेंज कर दिया, तो ऐसे करके मैंने बी मार्क करा था, लकीली वो सही था, बट ठीक है वहां पे इम्पोर्टेंट है ऐसे कोई लॉजिक आना। ऑल्सो नाउ वाई दिस क्वेश्चन, कि इंडिया ने एक्सपोर्ट स्टार्ट करा था मोरिंगा पाउडर का 2020 में, एंड महामहिम प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बताया था कि उनके सेहत का राज है मोरिंगा का जूस, तो मैंने ये मन की बात का लिंक डाल दिया है, तो ये रिलीजियसली फॉलो करना है सबने, इसके वीडियोस के लिए नोट्स बिट्स बनाओ मन की बात के, इस बार अगेन कुछ इम्पोर्टेंट सा थीम वहां से उठ के आ जाए पता नहीं, तो देखते हैं मोरिंगा और ड्रमस्टिक। तो कुछ मिला नहीं, ज्यादा बेसिक बेसिक चीजें डाल दी है। मोरिंगा इज अ ग्रीन लीफी फास्ट ग्रोइंग डेसिड्यूस प्लांट नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड इट इज ऑल्सो अ नॉन लेग्यूमिनस, जो हमने ऊपर पढ़ा वही छोटा चेंज कर दिया था स्टेटमेंट में, लेग्यूमिनस की जगह नॉन लेग्यूमिनस की जगह लेग्यूमिनस कर दिया था। ठीक है, ऑल्सो टैमरिन इज अ लेग्यूमिनस ट्री बियरिंग एडिबल फ्रूट,
दैट इज इंडिजिनस टू ट्रॉपिकल अफ्रीका, तो अगेन ये चेंज कर दिया, ट्रॉपिकल टू इन ट्रॉपिकल अफ्रीका इंडिजिनस है तो उसकी जगह साउथ एशिया डाल दिया. देन टैमरिंड इज करेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी सिंपल है. इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड मोरिंगा सीड्स जो हमने अभी स्टार्ट किया 2020 में, ठीक है, मोरिंगा का पाउडर एंड सीड्स. एंड फिफ्थ इज इट कैन बी यूज एज अ बायोफ्यूल, ठीक है. तो ये थोड़ा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक पिक्चर मिला, वो डाल दिया था. जस्ट गो थ्रू कर लेना एक बारी कि इसमें क्या क्या है. वाइल्ड हनी होता है, सीरे टैमरिन होता है, महुआ फ्लावर्स होता है, देन ड्राई शिकाकाई जो हम बालों में लगाते हैं, देन साल लीव्स, महुआ सीड्स. साल लीव्स कहाँ पे मिलता है, कुछ किसी को आइडिया हाँ, इसके ऊपर? एक ड्राइड फेमस एसिडेवस से केस भी और ये, है. हाँ मतलब एमपी में शायद सबसे बड़ा साल फॉरेस्ट है ना. करेक्ट, एमपी में, देन उड़ीसा में सिमरीपाल के यहाँ पे केस हुआ था. जब ट्राइबल्स को, मतलब एक ट्राइब थी जिसका सोल, मतलब क्या बोलते उसे, सो राइट, नहीं, राइट नहीं है, लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड. लाइव लाइवलीहुड इसके ऊपर था, साल लीव्स के ऊपर. देन सिमली पार आ गया वहां पे तो ट्राइब को हटा दिया. देन फिर भी वो लोग जाते थे तो कॉन्फ्लिक्ट होता था बहुत, तो कुछ सीन हुआ था तो उसकी वजह से साल लीव्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो देख लेना हाँ, महुआ सीड्स एंड महुआ फ्लावर्स. हाँ झारखंड में जो टाइल्स हैं वो साल लीव्स की, मतलब साल पेड़ की पूजा भी करते हैं। हाँ मतलब एक ट्राइब है शायद छत्तीसगढ़ में, बत्रा करके ट्राइब है, वो भी पूजा करती है साल लीव्स की. उन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है साल लीव्स में से बोलते हैं, तो अगर कोई कुछ बीमार है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसे वो पेड़ के नीचे लेके जाते हैं और वो पत्ते उसके इस पे ये करते हैं वो लोग. तो ये भी है साल लीव्स का, ठीक है. तो बाकी तो इसके कुछ नहीं अलावा है. एक एक चीज होती है तेंदू, तेंदू पत्ता, तो वो कोई बता सकता है क्या, मतलब वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है क्या? वो भी ट्राइबल्स वो भी कलेक्ट करते ट्राइबल, हैं. हाँ, तेंदू ओडिशा आता प्रोड्यूसर है तेंदू लेक का, है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ओडिशा। ओडिशा नहीं है, आई थिंक एमपी है तेंदू लीव्स का. ठीक है, देखते हैं. हाँ, और ये चीज देख लेना कि एंडेमिक टू इंडिया है वो तेंदू लीफ वाला ना. तेंदू से ना बेसिकली बीड़ी, बीड़ी का जो पत्ता होता है ना, वो तेंदू लीफ से ही बनता है. तो उस सेंस में थोड़ा सा देख लेना, कौन सी बीड़ी? अच्छा, बीड़ी पीने वाली बीड़ी, अच्छा, बड़े शौक। देसी सिगरेट. हाँ देसी. हाँ सस्ती सिगरेट, ठीक है. तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट तो मेरे को पता नहीं था यार, वो तो अभी बता दिया कि एक्सपोर्ट एंड ऑल, बट अगेन वो 2020 की चीज है, वो भी 2020 के स्टार्टिंग में हुई थी, फिर भी पूछ लिया तो पता नहीं, 2 साल का तो आजकल करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो देख लेना एक बारी. 64 देख लेते हैं. द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, अगेन ये काफी बेसिक क्वेश्चन, इसका आंसर तो पता है सबको, तो देख लेते हैं. थोड़ा इंफॉर्मेशन डाल दिया नीचे अबाउट सॉइल्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सॉइल्स काफी टाइम बाद वापस आया है यूपीएससी में, तो लास्ट ईयर ही पूछा था, उसके बाद शायद एक और बार पूछ रहे, तो थोड़ा सॉइल्स का टाइप एंड ऑल नीचे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. तो सबसे ऊपर लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट सॉइल कौन सा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया कवरेज? एलुवियल सॉइल एलुवियल क्लोज टू 18% है शायद, नहीं 46% है, ओके, 40 या 30s में है ना, कुछ 43 40 है. 46% है. हाँ, यहाँ पे 18 इज, उसके बाद आता है रेड सॉइल, दैट्स 18%, ठीक है. तो देख लेना एक बारी मैप की कहाँ पे क्या दिया है, और ये अलूवियल सॉइल्स का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किया है. तो दे आर फॉर्म मेनली ड्यू टू सिल्ट डिपॉजिट बाय इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, तो ये तो हमें पता है कि वो सब ऊपर से लेके आती है रिवर्स और वो डिपॉजिट करती है, इसलिए वो अलूवियल प्लेन बना है बहुत बड़ा, काफी प्रोडक्टिव सा प्लेन है.
और इसलिए ज्यादा एक्सप्लोइट भी करते लोग उसे। तो इन कोस्टल रीजन्स सम अलूवियल डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू सम वेव एक्शन, ठीक है। नाउ रॉक्स ऑफ हिमालयस फॉर्म द पेरेंट मटेरियल। हाँ, पेरेंट मटेरियल थोड़ा देख लेना सबके बारे में कि कौन से सॉइल का पेरेंट मटेरियल कौन सा है। तो इसका तो ऑब्वियस है, रॉक्स ऑफ हिमालयस, तो वो हिमालय को कट करके सब रिवर्स आती है, तो वो सब लेके आती है साथ में, एंड देन दे डिपॉजिट इन दी मतलब उनके बैंक्स पे, रिवर प्लेन्स एंड ऑल। नाउ दस द पेरेंट मटेरियल ऑफ दिस सॉइल इज ऑफ ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन। नाउ दे आर द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप जो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर को सर्व करती है, 46% ऑफ एरिया है, एंड 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को वो सपोर्ट करती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल्स, नाउ दे आर इमेच्योर एंड दे हैव वीक प्रोफाइल्स ड्यू टू देयर रिसेंट ओरिजिन। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि काफी फ्रेश है वो, नहीं है, इज दैट्स व्हाई दे हैव वीक प्रोफाइल्स। नाउ द सॉइल इज पोरस बिकॉज ऑफ इट्स लोमी नेचर, मतलब सैंड एंड क्ले का इक्वल प्रपोर्शन होता है, दैट मेक्स इट वेरी पोरस। नाउ दिस सॉइल्स आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड बाय द रिकरेंट फ्लड्स, ये भी बट ऑब्वियस है। लास्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, नाइट्रोजन इज जनरली लो अलूवियल सॉइल्स में। बेसिकली हम ऑल सब सॉइल्स देखें ना, तो नाइट्रोजन हमें काफी कम मिलता है, तो ये एक कॉमन थीम है, कॉमन टॉप पॉइंट है सब सॉइल्स में। नाइट्रोजन इज जनरली वेरी लो एंड बट पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, अल्कलीज आर एडिक्वेट, ठीक है। तो ज्यादा दिया नहीं, बेसिक बेसिक चीजें कवर कर लिए अलूवियल सॉइल के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स होते 15% एंड दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसल्टिक रॉक्स विच इमर्ज ड्यूरिंग द फीचर इरप्शन ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। तो क्रिटेशियस पीरियड कब था कोई बता सकता है, या यार कोई ये करेक्ट अपने पीरियड का भी याद नहीं पॉइंट्स? रहता यार। किसी को कोई निमोनिक या कुछ पता है क्या? जुरासिक, क्रिटेशियस, ये सब याद नहीं होते कभी। या निमोनिक तो नहीं है बट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट से याद रख सकते हो, जैसे क्रिटेशियस में ना डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, तो राइट। उस सेंस में इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मैं राहु शेयर को कर दूंगा, कौन, एक निमोनिक ओके है, ओके, एक मैं शेयर कर दूंगा। ये राहु का FLT1 था क्या जो आप डिस्कस कर रहे हैं अभी? नहीं, राहु का हमने डिस्कस कर, हमने अभी खत्म किया डिस्कस करके, ये 2021 का पेपर है प्रीलिम्स का। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक्चुअली यार डिस्क्रिप्शन राहु FLT था ना। ओके अरे हाँ, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हाँ, तो इसका पेरेंट मटेरियल हो जाता है वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है, दैट वर फॉर्मड इन द डेकन प्लेटू, फिशर इरप्शन से था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैक सॉइल कैसे बनता है, तो ड्यू टू द फिशर इरप्शन। नाउ इन तमिलनाडु नीस एंड शिस्ट फॉर्म द पेरेंट मटेरियल, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट इज 15%। ब्लैक कलर इज ऑब्टेंड बाय टाइटेनियम फेरस मैग्नीशियम कंपाउंड, ये थोड़ा याद रखना, ब्लैक कलर इसका टाइटेनियम से आता है, रेड सॉइल का आई थिंक आयन से आता है, ठीक है, ऐसे चीजें एक एक याद रखना, फिगर आउट कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंशियस ऑफ मॉइस्चर, इसलिए अगर हम अगर वो ड्राई हो जाती है ना, तो क्रैक्स डेवलप होते हैं बड़े बड़े से, ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है, सेल्फ प्लगिंग बोलते हैं उसे, तो वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लैक सॉइल का, ठीक है। इसीलिए कॉटन एंड ऑल क्रॉप्स के लिए ये बहुत सूटेड सॉइल बोली जाती है, और इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। हाँ, अगेन यहाँ पे फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस आर वेरी लो, नाइट्रोजन अगेन लो, पॉइंट टू रिमेम्बर, ठीक है, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड से रिच कॉन्टेंट होता है। दैट वॉज अबाउट ब्लैक सॉइल्स। नाउ रेड सॉइल्स, रेड सॉइल द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड मेक्स द कलर ऑफ सॉइल रेड, ठीक है, एंड इट हैज सेकंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, 18.5। फर्स्ट हमने देखा एलुवियल का, सेकंड इज रेड सॉइल्स, थर्ड इज ब्लैक, ठीक है। रिच इन आयरन एंड पोटैश बट डिफिशियंट इन अदर मिनरल्स, अगेन नाइट्रोजन में डिफिशियंट है, ह्यूमस में डिफिशियंट है, लाइम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम, यू नो। नाउ वंस इरिगेटेड एंड एडेड विद ह्यूमस इट गिव्स हाई यील्ड बिकॉज़ द मिनरल बेस इज रिच। तो अगर ह्यूमस एक बार आप ऐड कर देते हो और इरिगेशन अगर मिल जाता है, पानी मिल जाता है उसे, तो ये हाई यील्ड प्रोड्यूस कर सकती है रेड सॉइल। नाउ फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, इट इज अ थिन लेयर एंड द प्रोफाइल्स एंड हॉरिजॉन्स आर पुअरली डेवलप्ड,
तो प्रोफाइल्स और हॉरिजॉन्स क्या होता है कोई बताएगा? मतलब लेट्स से कि अगर सॉइल का कोई ब्लॉक हम लोग उठाते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, तो दैट्स प्रोफाइल, और उसमें जो लेयर्स होते हैं वो होते हैं उसके हॉरिजॉन्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट में, माउंटेन सॉइल में, दे आर पुअरली डेवलप्ड अगेन बिकॉज ऑफ द फास्ट ड्रेनेज, जो कंटिन्यू ड्रेनेज आ रहा है ना ऊपर से हिमालयन रिवर से, तो उसकी वजह से प्रोफाइल्स एंड हॉरिजॉन्स जो होते हैं फॉरेस्ट सॉइल के वो काफी पुअरली डेवलप होता है। बट इट इज रिच इन ऑर्गेनिक कॉन्टेंट, ठीक है। ह्यूमस कॉन्टेंट इज ऑल्सो एडिक्वेट, बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर डिफिशियंट। एंड जनरली फॉरेस्ट ऑयल जो जो होती है दैट इज यूज फॉर रबर प्लांटेशन, ये तो पता है हमें कि वहाँ पे रबर, बैम्बू एंड टी, कॉफी फ्रूट्स होते हैं काफी, ठीक है। तो और जो दो तीन टाइप्स है लाइटर एट एंड ऑल, तो उसके लिए मैंने लिंक डाल दिया है नीचे, तो वो एक बार देख लेना आपने, है ना। काफी अच्छे से दिया है ये लिंक पे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। किसी को कुछ ऐड करना है या आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट वाले पे? नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉइल थोड़ा थीम देख लेना यार, आ रहा है कुछ इंटुइशन इस बारी थोड़ा सॉइल से, ठीक एक ऐसी नॉर्मल से क्वेश्चन है, मतलब सॉइल से नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड ही है। तो एक मालदा फॉल्ट होता है जो मतलब कार्बी एंगलोंग को अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू से डिवाइड करता है, तो कौन सी रिवर मतलब फेल करती है और कहाँ पे है ये मालदा फॉल्ट? मालदा फॉल्ट वेस्ट ये जो बंगाल छोटा में। ना हाँ छोटा नागपुर प्लेटो को सेपरेट करता है फ्रॉम मेघालय, जो ब्लॉक है ना प्लेटो रीजन उसको सेपरेट करता है मालदा फॉल्ट। और ये जो गंगा रिवर है उसने वो सेडिमेंट्स भर दिए हैं वहां पे, गंगा या बेसिन जो रिवर से उन्होंने। तो एक बार पूछा भाई यूपीएससी ने। हाँ करेक्ट, पी वाई क्यू था। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़े साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, तो संजय सर का एरिया ही है। विथ रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन्स, ठीक है। एंड सेकेंड, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज एज वेक्टर्स। तो एक मिनट ना संजय, सॉरी, तो कौन सा क्वेश्चन करेक्ट, कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? तो सी, बोथ ए एंड बी। किसी ने अटेम्प्ट करा था ये करेक्ट सही से? तो सी होना चाहिए था, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट मतलब कि आप जो डीएनए है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो रिकॉम्बिनेंट वर्ड उसी के लिए है। तो ये सही था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड होती है, और दूसरा बैक्टीरिया और वायरसेस वेक्टर की तरह यूज होते हैं, तो ये भी सही है। तो जैसे प्लाज्मिड हो गया, प्लाज्मिड में हम क्या कहते हैं, एक बैक्टीरिया होता है उसका ये यूज करते हैं एंड फिर जाके हम इंसर्ट कराते हैं इस चीज को, ठीक है। तो वो था, और वायरसेस हमें पता ही है, एडिनो वायरस या फिर रेट्रो वायरस जो है वो उनमें कुछ जेनेटिक मटेरियल डालते हैं एंड फिर वो आगे जो है सेल्स के अंदर वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस सेंस में दोनों सही थे। करेक्ट, दोनों सही थे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होती है तो ऑब्वियस है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप कैसे भी लैंड करते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता है इस पे। सेकंड पे अगर आप वेक्टर्स के बारे में सोच रहे हो तो इन वायरस को खुद वेक्टर एज अ वेक्टर यूज करते हैं, एंड बैक्टीरिया भी मतलब सोच सकते हो आप लोग। तो ये एक डायग्राम सा दे दिया है बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें वो लाइगेज और न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट भी है क्या संजय? लाइगेज, हाँ, तो लाइगेज जो है वो ज्वाइन करने के लिए होता है, ठीक है। ऑल्दो डीएनए अगर कहीं से टूट जाता है तो उसके अंदर सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है, तो अगर कहीं से डीएनए अपने आप टूटा है तो अपने आप ही रिपेयर कर लेता है, लेकिन कई बार उसमें गलत पेयर जुड़ जाता है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो क्रिस्पर कैस नाइन है, जो कि एक सीजर होता है या एक एंजाइम होता है या एक प्रोटीन होता है जो कि स्पेसिफिक जगह पे कट मारता है, तो उस कट की जगह फिर हम कुछ नया लगाना पड़ेगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो कुछ नया जीन सीक्वेंस उधर लगाना पड़ेगा, तब वहां पे लाइगेज काम आता है। तो लाइगेज जोड़ने का काम करता है और क्रिस्पर कैस नाइन काटने का, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। तो मतलब कैस नाइन जो है वो न्यूक्लियस हो गया एंड राइट, जो कट करता करेक्ट नहीं करेक्ट करेक्ट ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। इट इन्वॉल्व टेक्निक्स टू ऑल्टर द
टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए का केमिस्ट्री जेनेटिक मटेरियल चेंज करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज द फेनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. तो फेनोटाइप होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें दिखती है ऐसे, ठीक है. तो वो चेंज करने के लिए हम लोग जेनेटिक मटेरियल से छेड़खानी करते हैं, दैट्स रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, जिसके थ्रू करते हैं वो होते हैं वेक्टर्स, ठीक है. तो वो वेक्टर्स होते हैं वायरल एंड बैक्टीरियल वेक्टर्स, दे आर यूज्ड एज चैनल्स फॉर एंट्री इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स. तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. एक मैंने चीज ऑब्जर्व करी है पीवाईक्यूज में, अगर कोई टेक्नोलॉजी या फ्यूचरिस्टिक या जो भी डेवलप हो रही है तो उसके सेंस में अगर स्टेटमेंट्स दिए ना पॉजिटिव से लग रहे तो वो मोस्टली करेक्ट होता है, क्योंकि वो उसी सेंस में पूछे जाते हैं क्योंकि वो न्यूज में होते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है उसमें ये चल रहा है, रिसर्च चल रहा होता है, ठीक है. तो ये थोड़ा देख लेना पॉजिटिव से लगा और इमर्जिंग सा टेक्नोलॉजी है कोई साइंटिफिक, तो अगर रिस्क लेना है तो ले सकते. जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, जैसा आपने बताया ऐसा ही एक पैटर्न मैंने देखा था, जो एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है अगर उस पर सवाल आया, जैसे एआर वीआर काफी टाइम से हम सुन रहे हैं, तो हो सकता है वो ट्रिकी कर देंगे और ऑप्शन गलत फिट कर देंगे, ये वाला मैंने देखा. और जो मतलब जो एकदम एमर्जिंग है, जैसे क्रिस्पर सीएस9 का पूछा, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, उन्होंने ये नहीं पूछा कि जिंक फिंगर न्यूक्लियस क्या है या फिर टेलेनेस क्या है. अगर एस्टैब्लिश्ड है तो वो टफ कर देते हैं, और अगर एमर्जिंग है जिसके बारे में हो सकता है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को ख्याल ना हो, तो शायद उनका भी ख्याल रखते हुए वो उसको इजी कर देते हैं. मतलब जो आपने बताया पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डाल देते हैं और प्रिसाइसली सही हो जाता है सब कुछ. हाँ मतलब रीजन ही वही है ना, कि अगर वो टेक्नोलॉजी इमर्जिंग है, लेट्स से कि आज अगर उसमें वो चीज नहीं हो रही है जो यूपीएससी मना कर रही है, बट अगर 10 साल के बाद हो गई और किसी का प्रीलिम्स 1 मार्क से रह गया, वो अगर कोर्ट में जाता है और बोलता है कि यार ये तो इसके वजह से मेरा प्रीलिम्स रह गया था, तो उसे कलेश नहीं चाहिए यूपीएससी को. इन दैट सेंस वो थोड़ा सेफ खेलती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में. तो अगर चांस लेना है तो उस तरीके से ले सकते हो, सोच के ओवरथिंक ना करके. अभी यूपीएससी स्मार्ट हो गई है, वो डाल देते हैं ना प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पहले ही डाल देते हैं. यस हां डाल तो देती है, बट लेट्स सी कि आज प्रीलिम्स हो रहा है और 1 साल के बाद वो रिजल्ट लगा रहे हैं ना, तो तब तक अगर कुछ चेंज हो गया तो यू नेवर नो. बंदे खींचने के लिए कोर्ट में कुछ भी करेंगे. आप मतलब ये सिर्फ 2021 में ही डाला था, मतलब पहले नहीं आते थे क्वेश्चंस ऐसे स्टफ. करेक्ट. तो ये नेक्स्ट पे देखते हैं. इसके बारे में यार मेरे को कुछ मिला नहीं संजय, तो मतलब पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कुछ ज्यादा करा नहीं. आपको अगर बताएं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो यार प्लीज. हाँ तो ये एक्चुअली 3 पेरेंट बेबी वाला कॉन्सेप्ट है. तो हम लोगों ने जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट था अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम वुमेन एंड नॉट फ्रॉम फादर, ठीक है. सो 3 पेरेंट बेबी में कॉन्सेप्ट क्या था कि लेट्स से जो जाइगोट है, ठीक है, मतलब जाइगोट बनता कैसे, मदर से ओवम आता है, स्पर्म फादर से आता है, इन दोनों मिलके फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है. और वो जाइगोट फिर आगे जैसे जैसे डेवलप होता जाता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर वो फीटस, ठीक है, और फिर वो बच्चा बन जाता है. सो उस सेंस में जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, क्योंकि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एक तो एटीपी होता है, मतलब एटीपी वो प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन जो है सेल का वो वहीं से चालू होता है, इसीलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है. सो वहां से वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एंड उसको अगर डिफेक्ट होता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म एक इशू क्रिएट कर देता है, एक कंजीनियल डिफॉर्मिटी कर सकता है. तो उस चीज को रिप्लेस करने के लिए 3 वेरिएंट पेबी टेक्निक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी और के सेल में से ये माइटोकॉन्ड्रिया निकालकर उसमें प्लेस करवा देते हैं, ठीक है. सो सेंस में कोई डीएनए चेंज भी नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो हमारे फिनोटाइप में नहीं जाता है. हमारे फिनोटाइप में जो न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वही जो है वो आगे जाता है. सो उस सेंस में ये चीज याद रखना था. तो आई गेस इसका आंसर जो था सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही था, एंटायरली फ्रॉम मदर आता है, वो करेक्ट था. एंड पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, करेक्ट, ठीक है.
सर, इसके रिगार्डिंग ये अभ्यास में भी क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी वाला, उसमें भी मतलब ऐसा ही कुछ कहा था, उसमें ये बता रहा था कि 99% वाला जो डीएनए है वो सिर्फ दो का रहता है, तो क्या ये थर्ड पेरेंट इसलिए आ जाता है कि सिर्फ वो 0.1% डीएनए आ जाता है, इसलिए थर्ड आपने बोला क्या कि तीन बेबी रहते हैं, मतलब तीन पेरेंट रहते हैं इसके? हाँ तो देखो उसमें क्या हो सकता है कि ना, लेट से ये देखो, ये यहाँ पे है, फिगर सबको विजिबल है क्या प्रॉपरली? यस सर, हाँ तो ये देख लो, जो फिगर वन है, मदर्स एग विद फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फर्टिलाइज विद फादर स्पर्म इन लेबोरेटरी, ठीक है? तो ये मदर का ओवम था और ये फादर से वो हम लोग स्पर्म लेके आए और उसको फर्टिलाइज करा दिया, ठीक है? अब ये जो सेल है इसके अंदर मतलब जेनेटिक मटेरियल तो फ्यूज हो गया, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो मदर से ही है, ठीक है? सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जैसे हमने पढ़ा कि वो ट्रांसमिट नहीं होता, मतलब आगे अगर बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ऐसा नहीं होगा। ये जो थर्ड जो पेरेंट आया जिसके हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया हमने उठाया है, ठीक है? क्योंकि ये उठाना किसी मदर का ही है, क्योंकि मदर का रिप्लेस करना है, तो उस वुमेन का ही उठाएंगे एंड वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? उससे सो उस सेंस में तीन जेनेटिक मटेरियल जरूर है, ये तीन कंपोनेंट है सेल के, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल अल्टीमेटली शो होगा वो जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट्स से उन्हीं का होगा, ठीक है? सो पेरेंट थ्री पेरेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तीसरा पर्सन भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है? सो इतना ही था, ठीक है? बाकी ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए एक्सप्रेस कभी नहीं होता है, ठीक है? ऑलराइट। वो सप्रेसिव जीन वाला कॉन्सेप्ट है क्या वहां पे? अरे सप्रेसिव तो वो होता है जब उसके चांस हो शो होने के, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कभी शो ही नहीं होता है, वो बस रहता है वहां पे। हाँ प्रेजेंट होता है बट शो नहीं होता ऐसे। करेक्ट। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। बॉल गार्ड वन एंड बॉल गार्ड टू टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अगेन ये काफी सिंपल सा था डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर बी डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो अगेन आप सी और डी एलिमिनेट कर सकते हो एंड क्लोनल प्रोपगेशन भी एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो देन इस पे चलते हैं। ये इंफोग्राफिक दिया है नीचे अबाउट जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। तो व्हाट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? सो अ क्रॉप व्हिच हैज जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड फ्रॉम इट फ्रॉम अनदर स्पीशीज इवन अनरिलेटेड टू गिव इट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज एज इन मतलब उसे पेस्ट फ्री बनाना या उसका क्वालिटी एनहांस करना, वो सब चीज है। ठीक है, सो आर देयर अदर जीएम क्रॉप्स इन इंडिया? नो, द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ अदर जीएम क्रॉप्स, दो एफर्ट्स हैव बीन मेड फॉर ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। तो अभी कुछ कमर्शियल इंट्रोड्यूस करा है गवर्नमेंट में लेटेस्ट कॉटन छोड़ के? फाइव कुछ नहीं किया अभी तो, अभी वो पेंडिंग नहीं, है मस्टर्ड नहीं? एंड ऑल वो लैब में चल रहा है, फील्ड ट्रायल्स सिर्फ बीटी कॉटन के हैं एंड अभी रिसेंटली एक रबर का इंट्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, वो बस असम तो में है ना रबर? हाँ वो बस आसाम में किया गया है एंड दैट्स टू मतलब ट्रायल मोड में है, तो कमर्शियल नहीं बोल सकते उसे। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है नो, हाँ चलो ठीक है वो तो सही है, नो फूड क्रॉप हैज एवर इंट्रोड्यूस इन अ कमर्शियल वे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना क्योंकि हम सोचते हैं पटेटो एंड ऑल वो तो लैब में चल रहा है बट दे आर नॉट कमर्शियली यूज्ड। तो ये रिसेंट मेरे को लगा ये कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो हमने अभी 2021 में असम में स्टार्ट करा है इसका प्रैक्टिस बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दैट वर्क्स अंडर रबर बोर्ड जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है नॉट एग्रीकल्चर। तो इतना ही इम्पोर्टेंट, इतना ही रिलेवेंस लगा मेरे को। रबर प्लांटेशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डाल दिया जस्ट इन केस इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ पूछते हो। तो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 2000 mm वाटर मतलब रेनफॉल, इट्स एन इक्वेटोरियल क्रॉप, सॉइल टाइप जो है वो रिच विद ड्रेन अलूवियल सॉइल चाहिए। इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था 1902 में, ब्रिटिशर्स लेके आए थे केरला में, तो सबसे ज्यादा प्लांटेशन केरला में होता है, देन तमिलनाडु एंड देन कर्नाटका, तो तीनों साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं याद रखना। एंड वी आर द सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड रबर के।
एक जीएसी हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो क्वेश्चन आंसर में ही कर लेते हैं। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है और कौन लीड करता है इसे? हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर है, बट इसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो इसका चेयरपर्सन होता है एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो गलती से भी एनवायरमेंट मिनिस्टर या ऐसे वैसी चीजें मारने, मतलब मत करना वहां पे, वो डालेंगे ऐसा ट्रैप। एंड इट इज को चेयर्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि को चेयर करा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का कोई रिप्रेजेंटेटिव, नॉट सेक्रेटरी, नथिंग, यू नेवर नो कौन है। तो यही था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में, बाकी तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये काफी कंटेस्टेड क्वेश्चन 2021 का। तो इसका इसका क्या आंसर मार्क करा था जिसने, इसने अटेम्प्ट करा था, या क्या लॉजिक से मार्क करा था? आई थिंक इसका एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड, ठीक है, उस पे मार्क कर सकते थे, और वेट ऑफ द लिड प्रॉपर्ली। तो व्हाई बाकी नॉट कईयों वन, ने, हाँ मतलब व्हाई कईयों नॉट ने डी भी टू? बोला है। डी नहीं होगा क्या? आई थिंक होना डी चाहिए होगा। डी टू। हाँ डी, आई एम प्रेटी श्योर फॉर डी, बिकॉज ब्लास्ट फर्नेस में जब हम किसी भी चीज को प्रेशर के अंदर वो करने की कोशिश करते हैं, तब टेम्परेचर इज अ डिराइविंग फैक्टर ना। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, कि कितना ज्यादा करना है कितना कम करना है। हाँ, लेकिन मेरा लॉजिक ये था कि टेम्परेचर का रिलेवेंस उससे नहीं है कि उसे जल्दी पकाना है या कम पकाना है ना। अगर वो टाइम फैक्टर होता तो आई थिंक टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम रख सकते थे, लेकिन अगर सिंपली हीट दे रहे हैं ना, और प्रेशर हमने, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही होता है कि प्रेशर रखना है हम लोगों को उसके अंदर ताकि वो जल्दी कुक हो जाए। पता नहीं, मतलब आई एंटरटेन योर आइडिया, बट टी इज नॉट जस्टिफाइड ऑन द फैक्ट कि वो वेट की बात कर रहा है, थिकनेस की बात नहीं कर रहा है। एंड वेट से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे उसको कुकिंग में मतलब डिपेंड करेगा। एंड इवन द वेट ऑफ द लिड इज बैलेंस इन अ प्रेशर कुकर। इफ यू कैन लाइक द थिंग दैट वी प्रेस इज एक्चुअली टू बैलेंस द वेट ऑफ द लिड। आपका जो वेट होता है ना, वो आपकी ओरिंग को सील करता है। ओरिंग जो होती है रबर की, दैट इज लॉक्ड बिकॉज ऑफ द वेट। वो आपकी एयर टाइटनेस स्टार्ट करता है, जो आपका प्रेशर बिल्डअप में हेल्प करता है। प्रेशर बिल्डअप कैसे होता है? वो फ्लेम की टेम्परेचर से होता है। तो इट इज ऑल को रिलेटेड। नो एक्चुअली ये बहुत नैरो अंडरस्टैंडिंग होगा कि आप टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड, मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हो, एंड देन आप स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर रहे हो कि फ्लेम नहीं होगा। एग्जैक्टली और फिर भी सी में ऐसा भी होता है, हमारे यहाँ जो प्रेशर कुकर है उसका कांच का लिड है, तो अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे वेट के हिसाब से? ला मुझे समझाओ, दिखता है अंदर कैसे खाना बन रहा है, शायद गलत इसको होगा कैसे इसमें। जस्टिफाई नहीं तो कांच वाला भी हैवी होता है यार। आपको बेसिकली प्रेशर क्रिएट करना है, अब आप कितना भी वेट से करिए, लेकिन वेट होना चाहिए, बात ये है। जो पहले जो कुकर होते थे उनमें ऐसे वो एयर टाइट नहीं होते थे, तो वो ऊपर कुछ रखते थे ना उसको प्रेशर बनाने के लिए अंदर, तो वो ईटिया करके मतलब ऐसा भारी चीज रखते थे कि करेक्ट, वो हाँ ये प्रेशर अंदर ही सही बंद हो जाए। है। या लेकिन प्रेशर कुकर के आने के बाद इसका यूज ही खत्म हो गया। ये सही लॉजिक लगाया शायद अपने। अरे ठीक है, लेट्स अगेन ये नॉट सब, डिबेट। हाँ, लेट्स हाँ नॉट ये पता डिबेट नहीं के क्या बोलते अल्टीमेटली। हाँ मतलब इतना लॉजिक करने के बाद भी ना यूपीएससी पता नहीं क्या आंसर देगा, तो थोड़ा डिबेटेबल है। तो अभी इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट अगेन ये हम लोग मतलब कई बार डिस्कस कर चुके हैं पीवाई क्यूज में, तो क्या होगा इसका आंसर? काफी रिपीटेटिव सा थीम है, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगा, ये कॉम्बिनेशन ही कई बार यूज कर लिया यूपीएससी में। ए होना चाहिए 1 एंड 2। करेक्ट। तो अगेन लॉजिक की वायरस जो होता है वो कंप्लीटली डोरमेंट होता है बाहर, तो अगर उसे एक्टिव करना है तो होस्ट के बॉडी में घुसना पड़ेगा, और अगर आर्टिफिशियल मीडियम में बनाना है तो मतलब नॉट पॉसिबल, होस्ट की बॉडी नहीं है। ठीक है, बाय दैट लॉजिक आप 3 एलिमिनेट करते हो, देन यू लैंड विथ
स्टेट ऑप्शन ए दैट्स वन एंड टू. तो ये इंफॉर्मेशन भी बेसिक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है कि कौन से बैक्टीरिया या फंगाई को सिंथेटिक मीडियम में रिक्रिएट करा गया था. तो बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन अ सिंथेटिक कल्चरल कल्चर मीडिया. ठीक है, रिसर्चर्स हैड रिटन दैट डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया जो ई कोलाई बोलते हैं हम इसे, फैशनिंग अ सिंथेटिक जीनोम फोर टाइम्स लार्जर एंड फार मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी प्रीवियसली. संजय राइट में थोड़ा तो बेसिकली हाँ प्रीवियसली क्रिएटेड. तो बेसिकली ई कोलाई से फोर टाइम्स मतलब सिंथेटिक जीनोम क्रिएट करा जो फोर टाइम्स लार्जर एंड फार मोर कॉम्प्लेक्स था. ठीक है, ये अगेन एक आर्टिफिशियल मीडियम में क्रिएट करा गया तो बैक्टीरिया सही ऑप्शन होगा. फंगाई का भी वही लॉजिक है, फंगाई कैन बी ग्रोन इन सिंथेटिक कल्चर मीडिया एंड ये नीचे इम्पोर्टेंट है जो फंगाई है जिसे आर्टिफिशियल मीडिया में क्रिएट करा गया था उसके एग्जाम्पल्स दिए होंगे. ठीक है, एंड वायरस का जैसे मैंने बताया कि दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन एंड दैट्स व्हाई दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन, दे कैन नॉट बी ग्रोन इन सिंथेटिक कल्चर मीडियम. ठीक है, सो ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन था. तो नेक्स्ट पे चलते हैं, 70 ये लास्ट वाला. ये करा था किसी ने अटेम्प्ट सही से? मतलब इसमें जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था, एडिनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स वेयरस रेट्रोवायरस. तो रेट्रोवायरस हम जनरली जो आरएनए बेस्ड होते हैं वायरस उनको बोलते हैं. तो आरएनए में पता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो फर्स्ट एस्टिमेट हो सकता था. देन ये वाला रिपीटेड थीम था, मतलब ये एड्स वाला पहले पूछा हुआ है. तो एड्स में पता है वायरस के थ्रू होता है और रेट्रोवायरस से होता है ये, और कॉमन कोल्ड एडिनो वायरस तो बी हो जाता. तो बेसिकली यही वाला सीन है यूपीएससी का. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे तो दो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं और उनका मीनिंग जो है वो स्वॉप कर दिया है. तो एडिनो वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम डीएनए जीनोम जो कि रेट्रोवायरस की बात कर रहे हैं, एंड रेट्रोवायरस एज अ डबल स्ट्रैंडेड जीनोम जो एडिनो वायरस की बात कर रहे हैं. तो ये यूपीएससी काफी बार करता है, कंफ्यूज करने की चीज है. तो ये देखना, ये वाला थीम इम्पोर्टेंट है कि दो स्टेटमेंट्स है, दो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा है और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर दी है. ठीक है, तो इसके बारे में देखते था. एडिनो वायरस आर ग्रुप ऑफ कॉमन वायरसेस दैट इन्फेक्ट द लाइनिंग ऑफ आर आईज एयरवेज लंग्स इंटेस्टाइन्स यूरिनरी ट्रैक्ट एंड नर्वस सिस्टम. ठीक है, दे आर कॉमन कॉजेस ऑफ फीवर कफ सो थ्रोट्स. बच्चों में ज्यादा होता है ये, बट देन एनीवन कैन गेट देम. ठीक है, एडिनो वायरस. नाउ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट इनकरेक्ट बिकॉज इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है. And statement 2 is common cold is because of adenovirus. HIV is caused by retrovirus. ठीक है, तो इसका जो difference है retrovirus and adenovirus का वो नीचे संजय वो इमेज पोस्ट हुआ है क्या? इसके हाँ ये वाला है, थोड़ा डिटेल में ये है, ये मेरे को भी इतना समझ में नहीं आया, बट बेसिक चीज है इसमें जो एक्सप्लेन कर सकता है. जैसे कि adenovirus is any group of DNA viruses first discovered in the adenoid tissues. एडिनोइड टिश्यूज मतलब जो हमारे नोज के एग्जैक्ट पीछे होते हैं, जो टॉन्सिल्स के साथ फंक्शन करते हैं. ठीक है, तो वहां पे ये सबसे पहले डिस्कवर होते हैं एडिनो वायरस, मोस्ट ऑफ विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस ऑब्वियसली. नाउ रेट्रोवायरस आर एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ आरएनए वायरसेस विच इंसर्ट अ डीएनए कॉपी ऑफ देयर जीनोम इनटू द होस्ट सेल इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट. ठीक है, संजय आप एक्सप्लेन करोगे ये डिफरेंस प्लीज, एडिनो एंड रेट्रो का? ठीक है, तो एडिनो में डीएनए वायरस होता है, मतलब जनरली हम वायरसेस पढ़ते हैं तो ना मोस्टली आरएनए वायरस देखने को मिलता है. ठीक है, कि आरएनए रहेगा उनके अंदर, बट ऐसा भी है कईयों के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है. तो एडिनो मतलब एडीआरएनए याद रख लेना कि उसमें डीएनए है, और रेट्रो में आर है तो आरएनए आ रहा है उसमें. ठीक है, वो मेन जेनेटिक मटीरियल उसके अंदर प्रेजेंट होता है. लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, एक ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करेगा. ठीक है, अब ह्यूमन सेल के अंदर तो डीएनए होता है, तो अगर एडिनो वायरस है तो वो डायरेक्टली वो डीएनए सेगमेंट उसके अंदर चेप देगा सेल के अंदर, और फिर एक तरीके से वो सेल फैक्ट्री बना लेगा, मतलब वायरस फैक्ट्री बना लेगा उस एक सेल को, और उससे मल्टीपल वायरसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि अपना जेनेटिक मटीरियल वो आपके या जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर चेप चुका है एडिनो वायरस. बट रेटो वायरस ऐसा नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि वो आरएनए, तो उसे अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी वायरस के अंदर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा
आरएनए से डीएनए यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, और फिर वो जो डीएनए वो हमारे जो ह्यूमन सेल का डीएनए उसके अंदर प्लग इन करके फिर उसको एक वायरस फैक्ट्री बना लेगा उस सेल को, ठीक है। सो ये इस तरीके से डिफरेंस है। तो एडेनो वायरस में कोई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली डीएनए को वो लिंक कर देगा उसके अंदर। रेट्रो वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और फिर चालू होगा लिंकेज, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और बाकी तो डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड पता ही है, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। जनरली कंट्रेन ठीक है। हाँ तो ये देख लो एडेनो वायरस के बारे में, मतलब एडेनो वायरस इज मोस्टली रिलेटेड टू कॉमन कोल्ड, एंड जब पढ़ते हो एचआईवी के बारे में तो उसके लिए ये कुछ एचआईवी के लिए थेरेपी होती है, तो उसमें हम एडेनो वायरस ही यूज करते हैं क्योंकि डायरेक्टली डीएनए प्लग इन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सो एडेनो वायरस इन्फेक्ट्स डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, व्हाइल एज रेट्रो वायरस इन्फेक्ट्स ओनली डिवाइडिंग सेल, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग नॉन इंटीग्रेटिंग, ये तो इतना है नहीं, इतना नेटिग्रिटी में जाने की जरूरत। तो दिस ये देख लो एडवांटेजेस क्या है। सो हैज अ हाई स्पीड एंड ब्रॉड ट्रांसडक्शन एफिशिएंसी एंड इट कैन ग्रो टू हायर टाइटर, एंड नेक्स्ट रेट्रोवायरस हैज परसिस्टेंट जीन ट्रांसफर एंड इज यूजफुल फॉर मेकिंग फॉर सेल मार्किंग एंड लिनिएज एनालिसिस, ठीक है। सर नेक्स्ट देख लो डिसएडवांटेज, तो ओकेजनल साइटोटॉक्सिसिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, तो अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स मिल जाता है। डिसएडवांटेज रेट्रोवायरस की इंटेस्टिनल इंसर्शनल म्यूटेजेनेसिस, ठीक है, तो क्योंकि ये एक स्टेप इन्वॉल्व करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, तो वहां पे हो सकता है कि गलती हो जाए बनाने में, एंड उस सेंस में इसमें म्यूटेशन आ सकता है, ठीक है। सो वो एक रीजन है कि क्यों रेट्रोवायरस वाला इतना स्टेबल नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी इतना नेटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। एडेनो वायरस जो होता है कॉमन कोल्ड से रिलेटेड होता है, और ये रेट्रोवायरस एचआईवी से, वो बस अगर कोई साइंस एंथू है तो उसके लिए डाल दिया था डिफरेंस। आई डोंट थिंक ये रिपीट भी होगा ये वाला थीम, ठीक है, बट अभी देखते हैं, ठीक है। हाँ मेरा पार्ट हो गया संजय, दैट्स इट, अगर कोई है नेक्स्ट तो। बहुत बढ़िया था सर, अच्छा आई थिंक इनफो वगैरह सब अच्छा ही डाला था, सही है, ठीक है, ठीक है। अब प्रदीप आप प्रेजेंट हो क्या? या आई एम प्रेजेंट सर, मैं कर देता हूँ, ठीक। स्टार्ट कर सकते हो ब्रो? ये क्वेश्चन वन से देख लेते हैं, हालांकि कुछ ज्यादा था नहीं मेरे पास क्वेश्चन में, वो रिपीटेड थीम थे। तो पहला क्वेश्चन वो आरबीआई से रिलेटेड ही है, तो तीन स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें क्या लग रहा है आपको कौन सा स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं? बी वाला एलिमिनेट कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से, जी था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे दिया आरबीआई के लिए, तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता। ये सर्टेन प्रोविजन आरबीआई एक्ट में है जो ये पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो आरबीआई को डायरेक्शन दे सकता है, तो बस वहां से उसने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वर्ड रिप्लेस कर दिया आरबीआई एक्ट की जगह से। तो बाकी दोनों सेम सही है स्टेटमेंट, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ये। और थर्ड है गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, और कौन कौन सी एक्ट है जहां से आरबीआई मतलब आरबीआई का गवर्नर अपनी पावर ड्रॉ करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, हाँ, और ये आरबीआई एक्ट है। बाकी और भी एक्ट है जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, तो डाला नहीं है क्योंकि सबको पता ही है वो। इसमें एक फैक्ट में जो मिला था ये था कि आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, उसका मेंशन 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें भी है। इसका ऑफिस स्टार्टिंग में कलकत्ता में बना था और लेटर ऑन मूव टू मुंबई 1937, आई थिंक ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और नेशनलाइजेशन इसका, आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था पहले 1934 में, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया था। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी,
आरबीआई के गवर्नर है जो हेड करते हैं, उसके बाद ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स को, 10 होते हैं ये। और मतलब कुछ आरबीआई मतलब गवर्नर हेड करते हैं, बाकी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है। ऑफिशियल में आई थिंक 4 है, नॉट मोर देन 4। ठीक है सर, ये इसकी कुछ जो फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं ये देख लीजिए, हाफ ईयरली आती है तीनों रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। ऐसे ही फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंडिया के लिए तो आरबीआई प्रेजेंट करते हैं, एक इंटरनेशनल बॉडी भी ऐसे कोई रिपोर्ट रिलीज करती है, उसका नाम बताएंगे? IMF है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, इस थीम पे हम मतलब आरबीआई का थीम क्वेश्चन आ रहता ही है और हम काफी कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं, तो मैंने इसके पीवाई के कुछ डाले नहीं, ऑलमोस्ट सब कवर हो चुके थे। ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इस क्वेश्चन में? और एक ट्रेंड्स इन बैंकिंग करके भी एक रिपोर्ट निकालती है आरबीआई, वो लीगल मैंडेट है आई थिंक आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। अच्छा, और क्या नाम था रिपोर्ट का? ट्रेंड्स इन बैंकिंग। ट्रेंड्स इन बैंकिंग, डिजिटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करके कुछ है क्या? इंडेक्स है ना वो आरबीआई का, डिजिटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो आरबीआई के तीन इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, देन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और ये है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इंडेक्स है जिसका बेसी और कुछ नहीं है? ये डिजिटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। नहीं सर, पेमेंट पेमेंट इंफ्रा वाले का है क्या सर? ये फाइनेंशियल का ये फंड है आई थिंक, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंडेक्स का नहीं है। डिजिटल पेमेंट का 2018 बेस ईयर है, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो यार वो टीयर 3 टीयर 6 सिटीज में ये डालने के लिए, पेमेंट इंक्लूजन द फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए वाला फंड है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडेक्स का कोई बेस ईयर नहीं है, बट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का 28 है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना दोनों। और आरबीआई ने हमने ये पीटी में देखा था, आरबीआई का एक सर्वे भी आता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, कोई बता सकता है नाम? हाउसहोल्ड सर्वे करता है ना। क्या बोला संजय सर? कंज्यूमर सेंटीमेंट सर्वे था क्या? नहीं नहीं नहीं, इन्फ्लेशन वाला सर्वे था, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स, कि हाउसहोल्ड एक्सपेक्ट क्या कर रहा है इन्फ्लेशन का, क्या इफेक्ट होगा उन पे, तो वो आई थिंक ये था ना, हाउसहोल्ड कॉन्फिडेंस सर्वे। नहीं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे था वो। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। और एक प्रिज्म करके PRISM करके एक नया प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसे लॉन्च कर रहा है इस बार, वो तो MSME के लिए किया है ना आई थिंक प्रिज्म। नहीं नहीं, MSME के लिए वो ट्रेड्स है, TREDS वाला प्लेटफॉर्म, फैक्टरिंग ट्रेड्स, फैक्टरिंग के लिए ना राइट। आई थिंक प्रिज्म कुछ MSME से रिलेटेड भी है शायद, MSME मिनिस्ट्री का होगा फिर तो। नहीं, ये कुछ वर्कफ्लो ऑटोमेशन के चक्कर में कुछ है, मेरे को भी इतना समझा नहीं वो, बट ये वर्कफ्लो ऑटोमेशन थोड़ा याद रखो, अगर वो ऑप्शन में कहीं दिख जाए तो मार देना। हाँ, मतलब वो उसके लिए भी था, ये आरबीआई का भी था और एक इसके लिए भी था, एमएसएमई इसके लिए, इन सब के लिए था वो, देख लेना एक बार। इसका स्पेलिंग गलत है, TREDS है। TREDS, सॉरी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब आउट ऑफ लीक था, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हुए मिले नहीं थे।
टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है, मतलब टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले तो स्टैंडर्ड 4-5 टाइप के होते थे उसके रिगार्डिंग आता था इसमें, लेकिन वर्कर के टाइप के बारे में पूछ लिया है क्योंकि वो कोडिफिकेशन ऑफ बिल्स भी हो रहा था वर्कर से रिलेटेड, तो 4 लोन बनाए थे उसके लिए, तो उस सेंस में क्वेश्चन आ गया है विद रेफरेंस टू पोस्ट कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चार तीन स्टेटमेंट है तो इसमें से कुछ एलिमिनेट करेंगे या मतलब तीनों ही सही है थोड़ा इसे। वन गलत लग रहा है, नॉट एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर प्रोविडेंट फंड ना, करेक्ट तो वन हटा के बी पे पहुंच सकते हैं। थर्ड तो ऑब्वियसली सही है, मतलब गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है नोटिफिकेशन से, ठीक है, तो वैसे आप थर्ड सही कर सकते हो। मैंने ने बताया, मैंने भी वही लगाया था कि पीएफओ के मतलब सबके लिए नहीं होता, बट इसका आंसर क्या है इसका इसका आंसर? आंसर, इसका आंसर डी बता रहे, तो हाँ उसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग बताई है इसमें, मतलब आंसर तो डाउटेबल ही है इसका क्योंकि बहुत सारे एक्ट भी हैं जो वर्कर से रिलेट करते हैं और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं, तो सच कुछ आंसर बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो आंसर वेरी कर रहे हैं कोचिंग टू कोचिंग, तो फोरम ने इसका आंसर डी दिया सर, तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग है उसने रिलेट किया कि ये कैजुअल वर्कर होता कौन है, पहले उसने डिफाइन कर दिया कि जो वर्कर ऑन टेम्प्रेरी, एक तो कैजुअल वर्कर हो गया, परमानेंट वर्कर हो गया, परमानेंट वर्कर मतलब कि जो जिसके प्रॉपर सोशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसे प्रॉपर सैलरी मंथली बेसिस पे बन रही है, कैजुअल वर्कर क्या होता है उसको या तो पर डे की सैलरी दी जाती है फोर्टनाइटली या मंथली कैसे भी हो सकता है, और उसकी जो जॉब है वो परमानेंट नेचर की नहीं है, कभी भी उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, और कुछ फिक्स टर्म के लिए या कुछ लिमिटेड टर्म्स के लिए मतलब उसे एम्प्लॉय किया जाएगा, तो इज ए वर्कर ऑन टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद जनरली लिमिटेड एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट एंड लिटिल और नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेन एट्रीब्यूट्स क्या है इसके, एबसेंस ऑफ कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप ऑफ एनी स्टेबिलिटी विद द एम्प्लॉयर, तो वही है सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि कैजुअल वर्कर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अंडर द ईपीएफओ एक्ट, तो उसने ओल ही वर्ड मतलब मेंशन किया, तो इन्होंने कोचिंग वालों ने ओल ही वर्ड ले लिया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस बेसिस पे सही बताया, और कैजुअल वर्कर्स अगर ओवर टाइम कराएंगे तो उसके लिए एंटाइटलमेंट है ओवर टाइम पेमेंट के लिए, रेगुलर करा रहे हैं तो रेगुलर के लिए तो होना ही, मतलब जनरल स्टेटमेंट है सेकंड वाला, और थर्ड वाला गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन, तो थर्ड वाला भी मतलब गवर्नमेंट की पावर को डिनोट कर रहा है, तो ये है ना थर्ड वाला है, मोदी गवर्नमेंट ने आके रिसेंट में ही 2019 या 20 में ऐसा किया है, पहले इस टाइप की पावर नहीं थी, तो एज पर सेक्शन 2F ईपीएफ द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ये है कि एम्प्लॉय को डिफाइन किया है ईपीएफओ एक्ट ने, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये है कि कोई भी पेड वेजेज है तो वो एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, एम्प्लॉय कहलाएगा वो, तो वो इंक्लूड करता है कैजुअल वर्कर भी ऐसा। क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग, एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर किस पे लाइक करेगा, कौन से लेबर में लाइक करेगा? फ्रीलांसर गिग वर्कर में करेगा क्या सर, वो गिग वर्कर फ्रीलांसर होगा। हाँ वो गिग वर्कर होगा क्योंकि फ्रीलांसर में मतलब कोई एज सच कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो उसके लिए तो नहीं होता कोई बेनिफिट एज सच। ओके तो सर इसका मुझे डाटा इसका कुछ कहीं से मिला भी नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, हाँ काफी वेरी कर रहे थे, लेकिन इसके लिए करंट में इस साल के करंट में तो दिया नहीं है, PT365 में लास्ट ईयर करंट में दिया था, वो 4 एक्ट जो लेबर रिफॉर्म वाले उससे कुछ पढ़ के उसमें से वो, हालांकि अभी से लागू नहीं किया है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो लोग, बट उससे कुछ क्वेश्चन बन सकता आई थिंक कोड ऑन है। वेजेस तो शायद कोड ऑन वेजेस लागू हो गया, बाकी 3 पास हो गए लेकिन उनपे अभी वो रूल शायद नहीं आए हैं, राइट? राइट सर, करेक्ट। तो एक बार उनको देख लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है यार, तो वाले 4 वो करें मेजर रिफॉर्म से लीगल लॉज में, तो प्रॉब्ली इतना इस बार के पीटी में डाला नहीं है विजन ने, मैं देख रहा था, तो लास्ट ईयर के पीटी में मिलेंगे वो चारों। हाँ तो उनको जरूर देख लेना, देखो क्योंकि ये है कि मतलब
ईयर में पेपर है उससे पहले 2 साल के एटलीस्ट करंट अफेयर देख लो, तो उसमें आई थिंक एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। तो यूजली ऐसा होता है कि जैसे कोविड का एग्जांपल देख लो, कि कोविड जिस साल था आया था उस साल एक भी सवाल नहीं था, नेक्स्ट ईयर भी उस नेक्स्ट ईयर फिर उसने एक थोड़ा सा रैंडम सा H2 वाला सवाल पूछ लिया था, प्रॉब्ली इतना डेप्थ में नहीं पूछा लेबर कोड से उस इस पीरियड में, मतलब लास्ट ईयर, तो प्रॉब्ली शायद इस साल पूछ ले, तो एक बार देख लेना लेबर कोड्स, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। एपीएफओ कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर से हाँ करेक्ट है। और एक पीएफआरडीए करके भी होता है ना, आई थिंक वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है आई गेस, हाँ, वो भी एक बार रेगुलेटरी चेक। है हाँ जो कि मिनिस्ट्री के अंदर आ जाती है क्या? क्या जैसे पीएफआरडीए तो एक रेगुलेटिंग एजेंसी है, तो इज इट आल्सो अंडर अंडर वर्क ऑफ अ मिनिस्ट्री? गेस हाँ होना तो चाहिए। इट्स अ फाइनेंस हाँ पीएफआरडीए। ओके एक अच्छा लेबर के कॉन्टेक्स्ट में एक ई श्रम करके पोर्टल था ना, अभी सुप्रीम कोर्ट के बैकलैश के बाद आया, वो कौन से मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ का? लेबर लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ और जैसे अनऑर्गेनाइज पीएफआरडी से सेक्टर के राइट लिए हो। 40 करोड़ क्या के सॉरी? अप्रोक्स दिखाता है, 36 करोड़ या 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज लेबर उनके लिए। फाइनेंस पीएफआरडीए किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री हाँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या? हाँ उसी के अंदर है। उसी के अंदर आएगा। और एक और चीज की जो एनपीएस ना नेशनल पेंशन स्कीम, वो पीएफआरडीए हैंडल करता है। राइट एक्सेप्शन है, मतलब वो रेगुलेटर भी है और इस स्कीम को हैंडल भी करता है, तो ये याद रखना। हाँ क्योंकि एनपीएस पे एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है पीवाईक्यू। ठीक है और पीएफआरडीए ने अभी इसी साल एक नया मार्स करके भी पेंशन स्कीम निकाला, नया मार्स के नाम से मिनिमम अच्छा एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। और मार्स जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ना उनको भी अलाउ कर दिया है एनपीएस स्कीम के अंडर। ये आया भी था क्वेश्चन अभी, सीडीएस का क्वेश्चन कर रहे थे 2021-22 में जो अभी हुआ है, फेल हुआ है, तो उसमें शायद एनपीएस के रिगार्डिंग जो चेंज हुआ है ना, सर ने स्वीप नहीं सर ने किसी ने बताया था, तो वही क्वेश्चन था वो। तो ये आई गेस देख लेना करंट अफेयर्स में, इन पे थोड़ा सा खासा ध्यान देना, क्योंकि एग्जिस्टिंग एक यूपीएससी पेपर में सवाल पूछा गया तो प्रॉब्ली रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो एनपीएस जो है और पीएफआरडी और मार्स वाला थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते ये हैं क्वेश्चन तक। लास्ट बोलिए। क्वेश्चन, पीरियोडिक लेबर फोर्स वो जो सर्वे होता है ना पार्टिसिपेशन वाला, वो कौन करता है और कितने टाइम में करता है? एंड सो करता है वो, पर ईयर होता है ना, तो नहीं, दो वो साल में एक बार होता है शायद। नहीं, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है उसके लिए। यही कैच है यहाँ पर, तो ये याद रखना कि देयर इज नो फिक्स टाइमलाइन। अभी आई थिंक 2017 से कोई सर्विस शुरू किया था एनएसओ ने, एनुअली नहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्वार्टरली, अच्छा क्वार्टरली होता है शायद वो, कि अच्छा डेटा बताता है क्वार्टरली, बट एज इन सर्वे पब्लिश नहीं होता है। ठीक है ये काफी वो इनिश टॉपिक इजी लाइन पर आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन? चार ऑप्शन है, हाँ बताइए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसमें। इकोनॉमिक इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर रिसेशन ऑन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। राइट सर करेक्ट। हाँ बाकी सारे एलिमिनेटेबल भी थे और यही मतलब प्रॉपरली फिट हो रहा था। तो इस टॉपिक पे हमने सब काफी कुछ पढ़ लिया है, तो मैंने इस पे कुछ एक्सप्लेन आगे किया नहीं। हाँ ठीक है, मतलब कॉमन कंसेप्चुअल थीम था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर अगर आपने बेसिक्स कवर करें तो इसमें ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये भी उसी लाइन पर है, इजी लाइन पर। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज
मार्केट डिमांड ऑफ गुड माइट इंक्रीज इफ, तो वही लो ऑफ डिमांड पूछा है इसने, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हैं, तो इसका रिलेट करके पता है क्या होगा। हाँ तो इसका आंसर ए ही होगा, तो पहले में दिया है कि प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स मतलब अगर टी और कॉफ़ी ले ले, टी का प्राइस बढ़ जाए तो ऑफ कोर्स हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट होंगे, सब्सटीट्यूट है ना दोनों के लिए। और सेकेंड है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे कि पेट्रोल और कार्स हैं, तो मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो मतलब क्या कार्स का भी प्राइस घट जाएगा आई गेस, ऐसा ही है ना वो। राइट सर, राइट। और एक्चुअली ये थोड़े वर्ड दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री, तो मैंने जब क्वेश्चन किया था तो मैंने इसका हिंदी वर्ड देख लिया था, तो कम्प्लीमेंट्री का हिंदी वर्ड होता है पूरक, मतलब जो दूसरी चीज को कम्प्लीट करता है, तो वहां से रिलेट कर लिया था कि एक चीज मतलब जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कार के प्राइस मतलब फिर बढ़ेंगे और उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसे एलिमिनेट हो गया था। हाँ और इनफीरियर गुड तो वही है कि इनकम बढ़ेगा तो हम उसको नाम में हो इनफीरियर और उसका डिमांड कम हो जाएगी, और फोर्थ ऑप्शन तो सही है मतलब प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगी। हमने लास्ट 3-4 मतलब क्वेश्चन किए हैं पिछले 10 ईयर के, तो उसमें ये थीम है टाइप ऑफ गुड, यूपीएससी का मतलब एक थीम है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहाँ से वो क्वेश्चन उठा लेता, कभी डिफेंस गुड को उठा लेता, कभी लग्जरी गुड्स पर, कभी कम्प्लीमेंट्री, तो ये इसमें कंसेप्ट वही था कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाला लगानी से, तो इसलिए कुछ मैंने मेंशन किया नहीं है, इजी साइड था क्वेश्चन। इसमें कुछ एडिशन मतलब अपने 2022 के लिए इसमें इसके कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह वो एक बार देख सकते हैं। राइट सर, इसमें सर मैं क्या करूँगा ना थोड़ा रिसर्च करके टाइप ऑफ गुड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फंडा है वो डाल दूंगा मैं, जितने बैड बैड गुड्स हैं, गुड टू गुड गुड गुड्स हैं और कम कैपिटल, ये सब मैं अपडेट कर दूंगा इस। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछो कि डीजी लॉकर है वो पब्लिक गुड होगा क्या, मतलब पब्लिक गुड के डेफिनेशन में आएगा। हाँ करेक्ट है, तो ये हाँ यहाँ एक थर्ड जो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया गया, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब जनरली ऐसा बोला जाता है अगर कोई गुड है, ठीक है, अगर लोगों की लो इनकम होती है तब वो खरीदते हैं, जैसे उनकी इनकम राइज हो जाती है तो फिर वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में, कोई नाम बता सकता है उसका एनीवन? ग्रिफिन्स गुड है क्या सर ये? हाँ मतलब ग्रिफिन गुड इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो लोगों की जब इनकम राइज हो जाएगी तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, वो उससे बेटर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वो आई थिंक ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं इस टाइप का। संजय नोट कर दो ना वहां पे। ठीक है और नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये वही लाइन है यूपीएससी की बैंक, मतलब ये जो मनोहर सर के हैंडआउट देखेंगे तो जो उसका फर्स्ट वाला हैंडआउट है बैंकिंग वाला, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, 3-4 क्वेश्चन मतलब वहां से आ ही जाते हैं, तो अभी हमने आरबीआई का देखा था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ गया, तो विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दी हैं, दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर, दे वर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 थ्रू एन अमेंडमेंट एक्ट इन 1966। तो थर्ड वाला तो काफी टेक्चुअल है, मतलब ये तो पता है कि वो बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर है, बट अमेंडमेंट 1966 का या कब का है ये थोड़ा सा डाउट है, तो क्या लगाएंगे इसका आंसर? आंसर बॉम्बे होना चाहिए, बी होना चाहिए।
थर्ड वाला तो ठीक था, मतलब वही एक्ट के थ्रू आया था, एंड 2021 में उन्हें अलाउ करा गया था इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंसेस के लिए, तो उस वो भी सही है। ये वाला फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो जाएगा, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स, वो आरबीआई के रेगुलेशन में आता है, आरबीआई एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला। राइट, अभी 2021 का अमेंडमेंट था आई थिंक, जो पीएमसी वाला इशू हुआ था ना, तो उसके बाद मतलब कोई ऑर्डिनेंस लेके आई थी गवर्नमेंट, तो उसके अंडर जो पहले ड्यूअल रेगुलेशन था, तो वो ड्यूअल रेगुलेशन से सिंगल रेगुलेशन कर दिया था, और जो कि आरबीआई के पास पहुंच गया, तो स्टेट गवर्नमेंट का अब कोई, पहले ड्यूअल रेगुलेशन था अब अनकॉर्पोरेटिव बॉडीज के लिए। सर मैंने एक इमेज लगाई हुई है, उसमें 2021 के जो चेंजेज हैं और वो डिपिक्ट किए हुए हैं नीचे से थोड़ा। हाँ हाँ ये ऑर्डिनेंस 2022 है, 2020 तो पहले क्या था और आफ्टर क्या है, तो टाइप ऑफ कॉमर्स वो तो पता ही अपने, कोऑपरेटिव कैसे कैसे हैं, तो कोऑपरेटिव रूरल वाली पहले दोनों को था, स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई, अभी भी दोनों का ही चलेगा, और लेकिन अर्बन के केस में देखेंगे तो अर्बन केस में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हटा दिया रेगुलेशन में, केवल आरबीआई को एम्पावर कर दिया, फुली एम्पावर, कि कुछ भी मैटर है रिगार्डिंग रेगुलेशन तो आरबीआई हैज द टोटल पावर। और मल्टी स्टेट में, मल्टी स्टेट मतलब कोऑपरेटिव में पहले ऐसे ही था आरबीआई और यूनियन, अब टोटल आरबीआई कर दिया है, तो अभी ड्यूअल रेगुलेशन केवल एक बचा है, वो है रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और पीएससीएस जो लास्ट वाला ऑप्शन लिखा है, कोई बैंक ही नहीं है अपने आप में, पब्लिक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो अंडर बैंकिंग एक्ट ऑफ 1949 PACS को बैंक बोलते ही नहीं है इसका। सर PACS स्टेट गवर्नमेंट नहीं बट नाबार्ड रेगुलेट करता है ना PACS, एंड देन लॉन्ग टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक के जो टाइप्स है। हाँ मतलब वो उसका अल्टीमेट रेगुलेशन आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई सब काम नहीं कर सकता, इसलिए वो नाबार्ड को देता है रेगुलेशन और मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए। स्टेट गवर्नमेंट लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए PACS है ना, मतलब मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, जो जैसे ये सोसाइटीज होती हैं जो यूरिया वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं विलेजेस में, तो वो सब सोसाइटीज भी मतलब PACS ही कहलाती हैं, तो ये जरूरी नहीं है बैंकिंग का ही काम करें PACS, तो ये फर्टिलाइजेशन में, मार्केटिंग में कुछ भी कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की टोटल पावर होती है इन पे, और नाबार्ड क्योंकि उसी फील्ड को रिलेट करता है एग्रीकल्चर को, तो नाबार्ड also have some power, but RBI I think monetary चीज़ें नहीं है, तो RBI पे बहुत power ही नहीं होती होगी बस कुछ भी। okay मतलब मेरे को तो NABARD याद है, but ठीक है देखते हैं, अगर कोई confirm करके बताए तो ठीक हो जाएगा किसी और से। सही है, इसमें 2020 में question था ना इस पे, मतलब ऐसा बोला गया था कि district DCCB ऐसे करके था, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो PACS को मतलब मनी प्रोवाइड करती है, ऐसा काम होता है उनका। मतलब सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लेंडिंग कौन करता है, वो कंपैरिजन दिया था उसमें DCCB शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का ना उसका आंसर, मतलब हां आरआरबी एंड ऑल सब लोग थे, तो उसका फंडा वही था कि मतलब जो अपना जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स है उनकी रीच काफी हद तक ज्यादा ही है अभी, और काफी मतलब उनका PSL वगैरह सब है, लोन पोर्टफोलियो उनके पास काफी ज्यादा है, तो वॉल्यूम वाइज उनका ही मतलब एट द एंड सबसे ज्यादा बैठता है लोन पोर्टफोलियो टू द रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ ये देख लेते हैं सर हम, टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज आ जाता है ये भी, कंफ्यूजन रहता है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया है, बैंक और नॉन फाइनेंशियल नॉन बैंक। बैंक के अंदर दो टाइप में फिर फर्दर कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव, कॉमर्शियल पब्लिक प्राइवेट फोरन, और डिफरेंशियल टाइप ऑफ बैंक जो है उसमें RRB LAB SFB PB, इसमें पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक लोन देने की आई थिंक इनके पास पावर नहीं है कुछ भी, और काफ़ी लिमिटेड मतलब एरिया है उनका, और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक मतलब अपने आप में एक बैंक ही है, बट कम एरिया को कैटर करता है,
आरआरबी और एलएबी लैंड लैंड बैंक है क्या सर? ये लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक्स कितने इंडिया में लोकल एरिया बैंक्स? दो है ना शायद, तीन है क्लोज क्या? हाँ क्या मतलब इनका वर्क एरिया क्या है सर लोकल एरिया बैंक का? कुछ स्पेसिफिक पर्पस नहीं है बट कंडीशंस उनकी है कि कौन कौन मतलब लोकल एरिया बैंक अगर आप करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो जहाँ तक मेरे को याद है, एक मिनट में कंफर्म कर, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज होती हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है तो उसके लिए रहता है। और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का भी क्राइटेरिया रहता है कि 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में दोगे, तो उस सेंस में था। मतलब नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन जैसे बाकी बैंक्स के होते वैसे ही था, तो नहीं है। बट दे आर रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनीज, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है वो। और जैसे बताया इन्होंने अभी संजय सर ने, 40% लैंडिंग करनी पड़ती है, उसमें से 10% वीकर सेक्शन को जानी चाहिए, तो बाकी तो बेसिक है, मिनिमम कैपिटल 5 करोड़ है ना वो सब। बट ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है वो। और आरआरबी यूपीएससी का थोड़ा आ जाता क्वेश्चन है। आरआरबी आई थिंक 1976 की कोई एक्ट है, वहां से मतलब बनना चालू हुए थे। आरआरबी एक्ट 1976। और नाबार्ड भी एक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, वो कब आई थी? 1982 में आई थिंक, राइट। मतलब ये 1970 से ये सब चीजें चालू हुई थी, मतलब रूरल एरिया से फोकस और उनकी बैंकिंग चीजों पर। और कोऑपरेटिव बैंक देख ले, इधर कोऑपरेटिव साइड देखेंगे तो अर्बन स्टेट सर उधर ही था क्लासिफिकेशन। अर्बन स्टेट सेंटर और पीसीएस, तो अर्बन मतलब उनका अर्बन एरियाज में मतलब जो डील कर रही है वो अर्बन हो जाती है, और जो रूरल एरिया में डील कर रही है उनको रूरल बोल देते हैं। और सेंट्रल मतलब कि मल्टी स्टेट वाला सेंट्रल हो सकता है, सेंट्रल डील करती है उनको। पीएसीएस तो बताई दिया मैंने, मतलब काफी लोअर लेवल पर काम करती है। और बाकी ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, 4 है टोटल, अभी 5वां ही बना है, उसका नाम बताएंगे? डेवलपमेंट बैंक है क्या? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, राइट। ठीक है सर, नेक्स्ट मतलब आगे राइट में डिफरेंस है कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो 1966 अमेंडमेंट हुआ था ना, उसके बाद ही मतलब आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आए थे ये कोऑपरेटिव बैंक। और आरबीआई सुपरविजन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव, ये दोनों टोटल आरबीआई के अंडर आ गए। और ड्यूल में देखेंगे तो जो हमने देखा था अदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर ड्यूल सुपरविजन ऑफ आरबीआई रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्री फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर ये है सीआरएसएसएलआर कहाँ मतलब लगेगा, कहाँ वैलिड है, तो दोनों केस में है। बट क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक थोड़ा मतलब उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी आई थिंक, तो आरबीआई उनके लिए डिफरेंट स्लैब्स अनाउंस कर सकता है एसएलआर और सीआरआर वाले। ऐसे सेम टू सेम रेपो और एमएसएफ वाला भी आरबीआई के पास पावर है, वो मतलब थोड़ा चेंज कर सकता है। अच्छा, बट ओनली सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक रेपो एमएसएफ। थोड़ा सा सर मतलब ये एरिया वेरी करता रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं डे बाई डे। पीएसएल देख लेते हैं, ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है पीएसएल में। वो 4 टायर में डिवाइड हुआ था ना, टायर 1 टायर 2, उसमें 100 करोड़ टू 10,000 करोड़ हो गया था। अगर 10,000 करोड़ तो बड़ी कीमत होती है, मतलब वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा होगा, इसलिए वो बासेल 3 नॉर्म्स उनको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो बाइंडिंग होगा ऐसा। ग्रेटर देन 10,000 करोड़ का मतलब अगर कुछ टर्नओवर वगैरह कुछ ऐसा सर? ठीक है, वोटिंग देख लेते हैं। ठीक है, वोटिंग में
कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हम जानते हैं, मतलब 1 person 1 vote वाला सिस्टम रहता है, और जो कॉमर्शियल बैंक जो रहते हैं, मतलब वो शेयर, जितने शेयर जिसके पास रहेंगे उतनी उसकी वैल्यू हो जाती है, तो ऐसा सिस्टम है। आप फिर रूरल और अर्बन का एक डिवीजन दिया हुआ है, मतलब देख लीजिएगा, थोड़ा टॉपिक बहुत नीटिगिटी में जाते हैं तब जाके समझ में आता है, बट इम्पोर्टेंट है। एक कमेटी का नाम दिया हुआ है, NS विश्वनाथन कमेटी, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रेंथनिंग पर, मतलब उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी अपने। ठीक है, इस साल थोड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा न्यूज में रहा है ना, मतलब इसमें पेमेंट बैंक अर्बन पे और भी क्वेश्चन रूरल में आके गया एक है। हाँ एक जो मेन डिफरेंस है वो ही है, वो PSL लैंडिंग, संजय से वो राइट करना, वहां पे ऐसा लिखा PSL लैंडिंग में सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से कर सकती है, स्टेट वाली नहीं, ना ही रूरल वाली कोऑपरेटिव बैंक, सिर्फ ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक PSL लैंडिंग वाली जो है ना। आई गेस प्रदीप आपका पार्ट कंप्लीट हो गया ना 5 तक? हाँ सर। मेरा ही अब शायद, अरे इस पे अच्छा, क्या? हाँ अरे एक दो क्वेश्चंस थे रिसेंट सर, पूछो तो करने ही नहीं करने। भाई। नहीं हाँ पूछो पूछो, वो बड़ा स्वप्निल सर बोल रहे थे ना SFB इस बार इम्पोर्टेंट है, तो SFB को प्रॉम्प्ट करके एक्शन से निकाल दिया है ना इस बार ही, हाँ थोड़ा उनके फॉर्म कुछ कोई निकाल दिया, और उनके लिए कुछ दूसरे कुछ फ्रेमवर्क है, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क कुछ ऐसे करके आया था एकदम। नहीं, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क तो कोऑपरेटिव बैंक के लिए होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है, SFBs को निकाल दिया गया है, एंड आई थिंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में भी थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए, जैसे कि रिटर्न ऑफ एसेट्स था उसे भी हटा दिया गया है, जो पहले आई थिंक 0.25% था, है हाँ वो ना। पैरामीटर था आई थिंक, वो हटा दिया। हाँ, 3 पैरामीटर्स होते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव में, उसमें से एक वो था, एंड बाकी पहले आई थिंक 4 थे सर, अभी 3 रह गए, ऐसा है क्या? पहले मेरे को तो याद है पहले CAR था, एंड देन नेट NPA था, एंड देन ये वाला रिटर्न ऑन एसेट, फोर्थ कौन सा था? नहीं, वो आई तीन गेस थे आई थिंक। लेवरेज वाला कह रहे होगे, तो लेवरेज वाला तो पहले ही हटा दिया था हम लोगों ने, मतलब लेवरेज वाला इंक्लूड ही नहीं था उसमें। लेवरेज रेशो वाला तो SFB का देख लेना इस बारी, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। सिद्धार्थ आपका पार्ट था, से आप हाँ, स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया पहला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, एक्शन ऑफ RBI, थर्ड है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, सिलेक्ट द करेक्ट, मतलब पहला ऑप्शन है 1 and 2, सेकेंड 2 only, सी थर्ड ओनली, और डी है 1 2 3। तो उसमें ये है कि आंसर आएगा डी 1 2 and 3। फर्स्ट है कि एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, वो बॉन्ड यील्ड को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कि वो टेपर टेंटरम आपने मतलब हमने पढ़ा है, अगर टेपर मतलब वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो यहाँ के सारे इन्वेस्टर वहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ भी जितने भी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा वो बेच देंगे, वो बेच देंगे तो उनकी प्राइस मतलब डिमांड घटेगी, प्राइस भी घटेगी, तो बॉन्ड यील्ड वो बढ़ेगी, तो मतलब इसमें तो इतना नहीं पूछा कि कैसे बढ़ेगी, ये लिखा है कि इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं, तो फर्स्ट है मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड है एक्शन ऑफ RBI, तो अभी अभी वो न्यूज में था ऑपरेशन ट्विस्ट, तो वो इसीलिए था बॉन्ड यील्ड को बैलेंस करने के लिए, और थर्ड है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इफ द इन्फ्लेशन टेक प्लेस द मतलब बॉन्ड होल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड कम होगा, बॉन्ड की प्राइस, बॉन्ड यील्ड कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, मतलब उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूछा, मतलब इन्फ्लेशन की इफेक्ट वैसे आती है, तो फिर ठीक है, ऑप्शन 1 2 and 3। हाँ, और डिटेल में मैंने दिया है पहले से ही, बेसिक से पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ आपका। जो जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो बता दो, बाकी स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफी बार पढ़ा होगा ना। हाँ, तो इसमें सिर्फ दो चीज मेन याद रखनी है,
बॉन्ड प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, और बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड कम होगा, मतलब बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस, वही है। और ये सब चीजें कहाँ होगी, सेकेंडरी मार्केट में होगी, प्राइमरी मार्केट में नहीं। प्राइमरी मार्केट में जो मार्केट प्राइस होगा वो उसका, मतलब जहां से उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो वो ही होगा, मतलब उससे ही मिलेगा, मतलब बॉन्ड यील्ड जो भी होगा, वो दो ही मेन चीज, एक ही मेन चीज है, बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। तो उसमें दो चीज आ गया, बॉन्ड प्राइस कम हुआ तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ा तो बॉन्ड यील्ड कम होगा, यही है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से क्या रिलेशन है इंटरेस्ट रेट से? हाँ, इंटरेस्ट रेट से ऐसा है कि देखो, इसमें एग्जांपल दिया है कि हेलो मृणाल सेन का लेक्चर किसी ने अटेंड किया तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि भिड़े 100 रुपीज का बॉन्ड लिया, 100 रुपीज का बॉन्ड, उसका उसपे उसको इंटरेस्ट रेट 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और वन ईयर ऑफ मैच्योरिटी। उसको इमरजेंसी आ गई, उसने जेठालाल को बॉन्ड बेच दिया 90 रुपीज में, अर्जेंटली था। तो अब जेठा, वन ईयर की मैच्योरिटी है, तो जेठालाल अब जाएगा जब भी वो बॉन्ड इन्वेस्टर के पास, मतलब जो मैच्योरिटी हो गई तब, तो उसको मिलेगा कितना, 108। उसने खरीदा था वो 90 रुपीज में, लेकिन उसको मिलेगा 108 रुपीज में, तो वो उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ, यहाँ पे पिंक वर्ड्स में मैंने लिखा है, जेठालाल का इन्वेस्टमेंट 90 रुपीज हुआ, बॉन्ड का अर्लियर प्राइस था वो 100 था, लाइक, और आफ्टर मैच्योरिटी उसका प्राइस क्या था, 108, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 18 रुपीज। अब प्रॉफिट 18 रुपीज हो तो उसका परसेंटेज निकाले तो फिर वो आएगा 20%, तो ऐसे इंटरेस्ट रेट आएगा, और उसको ही इफेक्टिव इंटरेस्ट इंटरेस्ट बोलते हो, वही इफेक्टिव इंटरेस्ट वही हुआ इक्वल्स टू बॉन्ड यील्ड, मतलब कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है उनको। अच्छा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है उतना बॉन्ड प्राइस ज्यादा है, उतना यील्ड कम है। अब आगे आगे दूसरा सिनेरियो है, वे सुंदर आ गया वो बोला मेरे को ये बॉन्ड चाहिए, तो फिर जेठालाल उसको 105 रुपए में वो बॉन्ड बेचता है। बॉन्ड की देखो, एक चीज दिमाग में रखने के, बॉन्ड की प्राइस है 100 रुपीज और एक साल की मैच्योरिटी पे 108 मिलेगा, लेकिन जेठालाल उसको 105 में बेचेगा। अब उसका इंटरेस्ट रेट निकाले, उसको तो उसको प्रॉफिट तो होना ही है 3 रुपीज, लेकिन बॉन्ड यील्ड है वो कम हो जाएगी क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा। तो यही है, यही दिखाया है कि अब जेठालाल ने 105 पे बेचा तो अब उतना ये इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, पहले 20% मिलता था, अब 2.80 मिलेगा। ठीक है, ये मतलब सब तो जैसे सही जैसे है। हाँ, इसमें लेकिन एक मेरा क्वेश्चन, जैसे आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया तो उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा क्या बॉन्ड यील्ड पे? शायद बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी, बॉन्ड यील्ड कम होगी, वही हुआ था ना ऑपरेशन ट्विस्ट में, बॉन्ड यील्ड कम होगी, मतलब उसमें ऐसा हुआ था कि आरबीआई ने सारे बॉन्ड्स खरीद ले, आरबीआई जब ऐसा करता है तो सारे बॉन्ड्स खरीद लेता है, खरीद लेता है तो वो आर्टिफिशियल डिमांड इंक्रीज करता है। अब आर्टिफिशियल डिमांड इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो फिर बॉन्ड यील्ड कम होगा। करेक्ट, और फिर एक्सटर्नल बेंच, हाँ करेक्ट है, मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क में भी तो हम लोग यही करेंगे, लिंक कर रहे हैं, मतलब रेपो रेट भी है बट उसके साथ बॉन्ड यील्ड से भी लिंक कर सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो कम हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो इंटरेस्ट रेट लोगों को मिल रहा है वो भी कम कम दरों में ब्याज मिलेगा उस सेंस में। तो सर मतलब समरी ये है कि आरबीआई अगर मतलब अपना रेपो रेट इंक्रीज करता है तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा? हाँ करेक्ट है। ठीक है सर। और सिद्धार्थ क्या ऐड करना है इसमें? बस ये तो वही था, टेपर टेंट्रम, और वो ऐसा होगा तो ऐसा होगा वैसा ही, मतलब तो पीवाई को देखें। हाँ वही, हाँ
इसका क्या होगा, मैं पढ़ लेता हूँ. What are the purpose of government sovereign gold, the sovereign gold bond scheme and the gold monetization scheme? First option is to bring the idle gold lying with Indian household into economy. Second is to promote FDI in gold and the jewelry sector. Third is to reduce India dependence on gold imports. क्या होगा इसमें? I guess so. Third वाला statement तो सही है, to reduce India's dependence on gold import. And first वाला भी first. तो one and three. हाँ, one and three आएगा. अच्छा. अगर ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता, सिंपल गोल्ड मोनेटाइजेशन ना होता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता क्या सर? नहीं, फिर नहीं होता. राइट सर. ठीक है, तो ये पता ही है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर हम बॉन्ड के अंदर पैसा लगाते हैं, जो गोल्ड का रेट होगा प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट वो मिलेगा. गोल्ड मोनेटाइजेशन में है कि आप अपना घर का गोल्ड है वो ले जाके रख दो, मतलब ऐसे आइडियली तो आपको कुछ नहीं मिलता, उल्टा बैंक लॉकर में पैसा देना पड़ता है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको उस पार्ट पे पैसा दे देगी, ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पे. तो ये चीज है. ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं. ये देख लेना, ऑपरेशन ट्विस्ट वगैरह सब लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. लाइन पर कि मतलब गोल्ड इज द मोस्ट इंपोर्टेड आइटम इन 2021 एंड 22. ट्रू फॉल्स? फॉल्स. हां, क्या है सर मोस्ट इंपोर्टेड? गोल्ड शायद सेकंड थर्ड पे है ना, सेकंड पर है. फर्स्ट पे क्रूड, मतलब क्रूड पेट्रोलियम हो गया, राइट. और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मोस्ट, सबसे फर्स्ट रैंकिंग किसकी होगी? प्रेशियस मेटल है क्या? प्रेशियस मेटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सर. प्रेशियस मेटल सेकंड है, राइट. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग. फर्स्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. Second, foreign institutional investment with the certain condition. Third, global depository receipt. Fourth, non-resident external deposits. इसमें ऐसा है कि which of the above can be influenced in the foreign direct investments? Option है 1, 2, 3, 3, 2 and 4, 1 and 4. तो इसमें ऐसा होगा कि foreign currency convertible bonds. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होता है कि बॉन्ड्स जो शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो इक्विटी होगी, और इक्विटी होगी तो वो फिर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. मतलब वो 10% से ज्यादा इक्विटी होगी किसी की. हाँ, तो वो मतलब ये क्वेश्चन को अप्लाई करता है. दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विथ सर्टन कंडीशन. मतलब कोई कंडीशन में ऐसा होगा कि मतलब बेसिक क्या है, बेसलाइन की 10-10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एफडीआई के लिए. हाँ, तो कोई कंडीशन में ऐसा होगी 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो वो भी एफडीआई कहलाएगा. तीसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट. मतलब इसमें मैंने संजय मैंने उसकी डेफिनेशन दी है. और उसमें ऐसा है कि बैंक सर्टिफिकेट इश्यूड इन अ मोर देन वन कंट्री फॉर अ शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी. मतलब अपना नहीं, लेकिन अगर फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मतलब कोई बाहर का अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करे तो वो वहां का जीडीआर हो गया, तो वो भी एक तरीके से एफडीआई हो गया. और फोर्थ है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट. नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट वो क्या है कि रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट ओपन बाय एन एनआरआई टू फैसिलिटेट डिपॉजिट ऑफ फॉरेन करेंसी अर्निंग्स. मतलब इसमें बैंक अकाउंट की बात की है, और बैंक अकाउंट में मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा एफडीआई में. हाँ, तो फिर फोर को एलिमिनेट करते हो तो फिर 1, 2 एंड 3 आंसर आएगा.
सिंपल ही बस एक एक वर्ड में पता होना चाहिए सारे वर्ड्स का, मैंने डाल दिया है। ये कंफ्यूज था, ये क्वेश्चन टफ तब हो जाता है ये 1 2 3 4 ऑप्शन एक और आ जाता है अगर। हाँ तो अभी तो सही हो गया 1 2 3। अच्छा एक कंफ्यूजन इधर आता है, जीडीआर और बीडीआर में एक ऐसी भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, तो कौन सी इनफ्लो कौन सी आउटफ्लो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो कोई थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा कैसे? बीडीआर क्या बता रहे हो? हाँ सर, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो मतलब वो भारत से पैसा उठाया जाता है, एक तरह से भारत से बाहर चला जाता है, कोई बाहर की कंपनी है फॉरेन कंपनी इंडिया से मतलब पैसा उठाती है विदाउट मतलब रजिस्टरिंग ऑन सेबी, तो वो बीडीआर के थ्रू करती है, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है उसका जो रिवर्स हो जाएगा वो तो भारत भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। ठीक है तो ये देख लेना, आई थिंक इम्पोर्टेंट है सारी टर्म्स, ठीक है। स्टॉक मार्केट वैसे भी इम्पोर्टेंट थीम बना हुआ है, तो ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ उसमें ऐसे ही था ना, वो एक था मसाला बॉन्ड्स, रुपए मसाला बॉन्ड, हाँ करेक्ट, रुपए डिनोमिनेटेड है वो, दो चीज थी उसमें, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स में क्या कि एक्सचेंज रिस्क वो लेंडर पे जाएगा और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में वो बोरोवर पे होगा, वैसा था ना जो आज की कंडीशन के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी है, मतलब मसाला बॉन्ड आप इसमें नहीं यूज कर सकते, क्या बोलते हैं उसे, वो कंस्ट्रक्शंस वाले इसमें पैसा नहीं डाल सकते वो वाला, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी है वैसे। तो मसाला बॉन्ड पे शायद पीवाईक्यू भी था ना एक दो 2018 में मैंने कुछ था आई गेस। हां सर पीवाईक्यू था इस पे। अच्छा उसमें एक जो ऑप्शन है ना, काफी नया ऑप्शन था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो नॉन रेजिडेंट मतलब करंट अकाउंट जो था, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, हम जो मतलब जनरली पढ़ते हैं जितने हैंड आउट वगैरह पढ़े उसमें नॉन रेजिडेंट फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट वगैरह तो कुछ होता है, बट ये फोर्थ जो स्टेटमेंट था नया था ये, तो इसके बारे में कुछ कुछ लाइट इसके ऊपर। मैंने वो ग्रुप में शेयर कर दिया उसका डिस्टिंक्शन, तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, तो एक बार देख सकते हो। थैंक यू। इसमें लिखा है एनआरआई अकाउंट इज दैट इट हैज हाई लिक्विडिटी एंड अलाउज फुल रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स द अकाउंट टू द एनआरआई कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब वो कभी भी निकाल सकता है पैसा, ऐसा ही कुछ है जितना चाहे। कोई एक्सप्लेन कर देगा क्या? हाँ ये मतलब उसी सेंस में है कि जब भी निकालना चाहे निकाल सकता है, और जिस कंट्री में वो है उस हिसाब से वो कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब जैसे अगर वो यहाँ पे रुपये में है तो वहाँ पे डॉलर में, अगर वो है किसी कंट्री में जहाँ पे डॉलर चल रहा है तो वो आराम से निकाल सकता है। राइट ठीक है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following statement, for isme the effect of devaluation of currency is that it necessarily first improves the competitiveness of domestic exports in the foreign markets, increase the foreign values of domestic currency, third improves the trade balance. Option 1 only, 1 and 2, 3 and 2 and 3, matlab bahut simple tha वैसे तो, usme aayega 1 only, export improves the competitiveness of domestic exports. Second इसलिए नहीं आएगा कि obviously मतलब बड़ी सीधी बात है कि वो foreign value का मतलब अपना currency का value नहीं बढ़ेगा, वैसे भी नहीं बढ़ेगा, मतलब $1 equals to hypothetically 30 rupees मान ले तो वो वही रहेगा। और दूसरा इम्प्रूव ये ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, थर्ड ऑप्शन में इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, मतलब पहला ऑप्शन है कि तो वो थर्ड वाला
वो थर्ड स्टेट में नेसेसरीली बोला है क्वेश्चन में, वो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट डायरेक्टिव, हाँ करेक्ट, डायरेक्टिव नेसेसरीली था, मतलब होना ही चाहिए, तो इम्प्रूव हो सकता है अगर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा तो बात अलग है, लेकिन नेसेसरीली हो ये चीज सही नहीं है क्योंकि हमारे इम्पोर्ट भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो उस टेंस में। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था अगेन, लेकिन अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई थिंक इजीली हो सकता था ये वाला क्वेश्चन, राइट। हाँ, लेकिन हाँ उन्होंने मतलब उधर मैंने बहुत ऑप्शंस सारे में भी नहीं दिया, उन्होंने ऑप्शंस में भी नहीं दिया था वन क्या, एंड हाँ थ्री, उन्होंने ऑप्शंस में राइट वन एंड सर, थ्री नहीं हाँ दिया, वही अगर दे देते तो फिर दिक्कत हो जाता। दिक्कत हाँ फिर वही मतलब ना, नेसेसरीली, हाँ नेसेसरीली पे ध्यान दिया होता तो वैसी कंफ्यूजन नहीं होता कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ये कहाँ ध्यान टेबल में वो आती ये दिया सब है, चीजें, वहां टेबल नहीं दिया, ध्यान लेकिन रहता। उसका कंक्लूजन मैंने बनाया ये क्वेश्चन के डिपेंड, मतलब एक एग्जाम्पल बनाया तो मतलब सारा ही समझ आ जाएगा। मतलब इसमें ऐसा है कि पहला पहला था, पहला ऑप्शन हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वाला। अब $1 हाइपोथेटिकली $1 30 है, और वो ₹40 हो गया उसका, मतलब डिवेल्यूशन हुआ, हमने डिवेल्यूशन किया या हो गया, तो वो ₹40 हुआ। मतलब अब $1 = ₹40, और एक पेन आती है ₹10 की, वो एक्सपोर्ट की है। पहले करते तो 3 ही पेन एक्सपोर्ट होती, अब करते हैं डिवोल्यूशन के बाद तो 4 होगी, तो उस हिसाब से वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा। लेकिन याद है तीसरा ऑप्शन है इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, हमने वो 4 पेन की तो सही एक्सपोर्ट कर दी, हमारा ट्रेड डेफिसिट उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर हमारा इम्पोर्ट ही ज्यादा है, अगर 4 पेन = ₹40 हमने डाला लेकिन उसका रॉ मटेरियल से वो सभी इंपोर्ट करने में ही बढ़ जाए, तो फिर हमारा इंपोर्ट मतलब वो ट्रेड बैलेंस नहीं होगा। इंपोर्ट अगर ज्यादा हो तो वो ट्रेड बैलेंस हो ही नहीं सकता, मतलब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, मतलब अपने प्रोडक्ट बाहर कम दाम में बिकेगी, लेकिन इंपोर्ट होगा तो अपना मतलब ज्यादा प्राइस जाएगा, तो वो ट्रेड बैलेंस नहीं हो पाएगा। वही था। करेक्ट है, मतलब क्रूड ऑयल, हाँ अगर क्रूड ऑयल को हम पहले देते थे उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, डिवेल्यूट होगी तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये इसमें शायद PYQ भी थे अगले वाले करंट में। ये तो कर चुके हैं डिवाइड जीरो दोनों, हाँ करना है तो कर, मतलब दोनों ही कर चुके हैं हम। ये रुपी कन्वर्टेबिलिटी अभी कैपिटल अकाउंट पे फिर से कंसीडर कर रहे हैं ना, अगर कुछ आया तो। ठीक, नहीं अभी तो किया नहीं है, लेकिन नहीं नहीं कंसीडर कर रहे हैं, मतलब गवर्नर ने हिंट दिया है कि कंसीडर कर रहे हैं आरबीआई तो कैपिटल अकाउंट पे चेंज करने कितना का। इंपोर्ट कवर है इंडिया के पास, मतलब वो अभी कुछ 11 महीने है शायद। राइट right. और मतलब कितना बोला हुआ मैंडेटेड कुछ है ना, ऐसा कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग? 6 8 महीने के ऊपर यस चाहिए ना, कुछ है लेकिन अपना कितना काफी है। ज्यादा है इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं आई थिंक कैपिटल अकाउंट के नॉलेज। पता नहीं यार, हवा की बातें होती है, 2 2 साल तो कंसिडर ही करते हैं, एक कमेटी है क्या नाम है उसका जिसने ये लेकिन कुछ तारापुर कमेटी, तारापुर, दो बार तारापुर कमेटी बैठी थी वो, तारापुर फर्स्ट और तारापुर सेकंड। दोनों का ही नाम तारापुर ही हाँ था राइट सर, शायद। राइट। और मिनिमम क्या बताया आपने, कितना इंपोर्ट कर, मिनिमम कितना चाहिए मंथ्स? सर वो देख के बताता हूँ मैं, आई हाँ थिंक 2 मंथ्स है शायद, 2 मंथ्स है दो शायद। यार, इतना कम क्या हाँ तो लाइक बात कर रहे हो। 1 मिनट, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं हम, मैं तो करता आगे क्वेश्चन हाँ है। सिद्धार्थ आप। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन मेन कॉज ऑफ द वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू
purchase of real estate and investment in luxury housing. B, investment in unproductive activities and the purchase of precious stone jewelry golds. C, large donation to the political parties and the growth of regionalism. D, loss of revenue to the state exchequer due to the tax evasion. इसमें क्या आएगा? मतलब इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा है, तो वो होगा हाँ, क्या आएगा? डी, दिल्ली. हाँ हाँ, डी आएगा. लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर, मतलब कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं भरेगा, मतलब तो ही उसका ज्यादा नुकसान होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. मेन कॉज ऑफ वरी, मतलब इसमें ये थोड़ा और क्वेश्चन था, यही है. ब्लैक मनी की डेफिनेशन दी है मैंने. An income which is not declared by a person or a group of person in a nation is termed as black money. It is also termed as illegitimate as it goes unrecognized for the tax declaration. उसका कोई उसका मतलब generation of black money में यही है, illegitimate activities, crime, corruption, non-compliance with the tax requirements. यही है, D वाला option है, यही है, non-compliance with the tax requirement. बाकी सब भी है लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट यही था. लेकिन बाकी स्टेटमेंट में जनरल से स्टेटमेंट है, अगर पहला स्टेटमेंट देखा जाए डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज और बाकी सब वो वैसे ही है नॉर्मल. तो ऐसा बोला है कि रिसोर्सेज को रियल एस्टेट में किया जाना है, सेकंड में बोला है कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये आपका डिस्क्रिशन है ना, वहाँ पे आप कुछ मतलब इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं. डी में आप टैक्स चोरी कर रहे हो, तो एक मतलब श्योर शॉट ब्लैक मनी है. मैं वो लॉजिक लगा सकते हो कि अगर नेगेटिव पूछा है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा ऑप्शन है, और अगर पॉजिटिव पूछा है सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है, उस सेंस में ये वाले क्वेश्चंस इजी बन जाते हैं फिर, जिसका स्कोप ब्रॉड है इसीलिए. ट्रू, ये भी सही है. और इंपोर्ट कवर 6 महीने का होता है मिनिमम आरबीआई का, मतलब नॉट मैंडेटेड बट आरबीआई कंसीडर्स की सफिशिएंट है 6 महीना. साथ कुछ और ऐड करना है क्या? नहीं, वो एक वो चार लॉज है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू डील विद द ब्लैक मनी, वो चार लॉज है. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स, और लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट. ये थोड़ा ऑड है, बाकी सब तो पता चल जाए कि ये थोड़ा ये फ्रेमवर्क में आता है, लेकिन ये एक है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. यही था, ये तो बहुत ही ऑड था क्वेश्चन, और कुछ है नहीं. वो डेटा था, मतलब वो तो मेंस के लिए एक, मतलब इतना मनी लॉन्ड्रिंग और वो सब है वो राइट साइड में. ठीक है, और इन द नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स. फर्स्ट है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, बी borrowing from the public to finance budget deficit, C, borrowing from the banks to finance a budget deficit, D, create of new money to finance a budget deficit. यही था मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट नेगेटिव इसमें था, मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा खराब क्या होगा, वही था मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट्स. तो उसका आंसर आएगा D, creation of new money to finance बजट डेफिसिट. उसमें मैंने थोड़ा ये माइक्रोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा वो टेबल बनाया मैंने, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब वो थोड़ा ये डिटेल में था. इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट में आएगा, पहला है पॉजिटिव इम्पैक्ट में इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर, मतलब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट
एक तरीके से ये हो गया कि जैसे कि अभी लेमन का प्राइस बढ़ा है, तो वो लेमन प्रोड्यूसर के लिए वो पॉजिटिव इंपैक्ट है इन्फ्लेशन का, ये है फर्स्ट इंक्रीज प्रॉफिट्स फॉर प्रोड्यूसर। सेकंड है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, अगर हमने कोई घर खरीद के रखा है कोई प्लॉट वॉट, तो मतलब उसका भी प्राइस बढ़ेगा इन्फ्लेशन है तो। तीसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन आउटपुट, अगर किसी का बिजनेस है कोई सर्विस है तो फिर उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मगर जैसे ही वो पहला एग्जांपल दिया लेमन का, तो मतलब वो तो लेमन तो नहीं ले सकते लेकिन कोई और प्रोडक्ट है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है अब। तीसरा है शेयर होल्डर्स कंपनी, शेयर होल्डर्स इनकम इंक्रीजेस, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें मतलब प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ागा तो फिर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब कंपनी बड़ी बड़ी होती जाती है तो फिर उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर शेयर होल्डर की इनकम बढ़ेगी, फिर वो बोरोवर्स एडवांटेज, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। द बोरोवर्स एडवांटेज यहाँ पे इन सेंस एक एग्जांपल मैंने देखा था, मतलब ऐसा था बोरोवर्स वाला, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हाँ बोरोवर को कैसे मतलब पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, मतलब बोरोवर है, बोरोवर ने एक एग्जांपल वो नहीं लिखा मैंने, एग्जांपल है कि 1 लाख रुपए लिए बोरोवर, मतलब 1 लाख रुपए बोरो किए किसी ने, लैंड किए हो गए, लैंडर्स ने 1 लाख बोरोवर को लैंड किए, फिर उसने 1 लाख रुपए से वो गोल्ड खरीदा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा होगा, सोचो मतलब हाइपोथेटिकली 10% इन्फ्लेशन बढ़ा, अब उसने गोल्ड खरीदा था 1 लाख रुपए का, अब इन्फ्लेशन बढ़ा है तो वो गोल्ड की कीमत 10% इन्फ्लेशन बढ़ा तो 1 लाख 1,10,000 हो गई, तो अब फिर वो वापस उसको लौटाना था जो भी बोरो किया, तो वो गोल्ड बेच देगा, अब गोल्ड बेच देगा तो तब की प्राइस तो उसकी 1,10,000 ही आएगी, तो फिर उसको लौटाने तो 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज वो लौटा देगा और 10,000 रुपीज उसके पास रखेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिखा है बोरोवर्स एडवांटेज। मतलब वो जो पैसे वापस रिटर्न करेगा उसका हाँ जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी, है ना? तो इस सेंस में बोरोवर को एडवांटेज था, हाँ वो पैसे जो वापस रिटर्न दे रहा है उतना ही दे रहा है हाँ लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, राइट? राइट, ठीक। फिर गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू इंप्रूव होगा, मतलब ऑब्वियसली ये सबके प्राइस बढ़ेगा तो टैक्स वैक्स लगेगा, मतलब डिमांड ज्यादा है तब जब इन्फ्लेशन है तो, इसलिए फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स में वही है, इंडिविजुअल ट्रू इनकम इन एन इंडिविजुअल्स ट्रू इनकम इज द परचेसिंग पावर ऑफ हिज इनकम माइन, मतलब यही इन शॉर्ट यही है कि परचेसिंग पावर पैरिटी कम होगा, जिसका फिक्स्ड इनकम है जिसको पेंशन मिलता है वही है नेगेटिव इंपैक्ट में। फिर एक था डिस्टर्ब द प्लानिंग प्रोसेस, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट गवर्नमेंट पे होगा, जैसे कि अभी अभी न्यूज में था कि वो मनरेगा के फंड्स खत्म हो गए, मतलब तो फिर वो गवर्नमेंट के प्लानिंग मतलब पॉलिसी प्लानिंग में पॉलिसी मेकिंग में वो फर्क आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। फिर है इंक्रीज स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, ये वही मनरेगा वाला एग्जांपल कि हम ऐसा कुछ सडनली कुछ हो जाता है तो फिर वो नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है इन्फ्लेशन, यही था। बाकी आई गेस ये सारे पॉइंट्स तो कवर्ड हो ही गए इसके अंदर ही, राइट? हाँ ऑलराइट, ठीक है। देन ठीक है, हो गया मतलब पार्ट आपका ना? हाँ हो गया, तो जरा काफी मेहनत करी हुई लग रही है सब, पूरे इसके अंदर अच्छा बना था। ठीक है गाइस, किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? क्वेश्चन थे आई गेस, क्वेश्चन तो सारे देखे हुए हमने, ये वाले इन्फ्लेशन से रिलेटेड कंसेप्चुअल है, तो ठीक है।
आज के लिए वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ कहना है क्या?